आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी विभाग हिंदी सेमिनार के द्वारा आज आयोजित इस बहुभाषा कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। नव वृंदावन नव नव तरुगन नव नव विकसित फूल नवल वसंत नवल मलयानिल मातल नव अलिकूल। मैथिल कोकिल विद्यापति का ये पद आज साकार हो रहा है। चारों तरफ वसंत की बहार है, बयार है। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि आज मातृभाषा दिवस है जो 21 फरवरी को मनाया जाता है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसे स्वीकृति दी थी और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिकता को बढ़ावा मिले। हम ये जानते हैं कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा से बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली थी, जो बांग्लादेश में सन 1952 से मनाया जाता रहा है। एकमात्र देश बांग्लादेश है जिसने भाषा के को लेकर के जहां क्रांति हुई और एक देश अस्तित्व में आया। हम लोग जानते हैं कि आज बहुत सारी भाषाएं मरने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। यूनेस्को के ही रिपोर्ट का हवाला ले तो दर्जनों भाषाएं मर चुकी हैं और सैकड़ों मरने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। एक भाषा के मरने का अर्थ होता है एक पूरे समाज समूह की संस्कृति आचार विचार रहन सहन आदि सब का नष्ट हो जाना। इस नए ग्लोबल भाषिक औपनिवेशिक काल में आज हिंदी क्षेत्र की भी अनेक मातृभाषाओं पर संकट दिखाई पड़ने लगा है। मुझे प्रसंगवश महापंडित राहुल सांकृत्यायन का वो सुचिंतित लेख मातृभाषाओं की समस्या याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का अधिकार हमारा वैसा ही है, जन्मसिद्ध अधिकार है जैसा राजनीतिक स्वतंत्रता का। उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदी को हम अंतर प्रांतीय भाषा मान सकते हैं पर वह हमारी मातृभाषा नहीं है और उसे कभी किसी भी मातृभाषा को मारकर पूतना बनने का अधिकार नहीं है। तो जाहिर है मातृभाषाएं बचेंगी तो तमाम जो भारतीय भाषाएं हैं जो बहुत आगे साहित्य में संस्कृति में पहुंच चुकी हैं वे भी बचेंगी। हिंदी क्षेत्र की जितनी भी भाषाएं हैं वे बचेंगी तभी हिंदी भी बचेगी। वैसे तो ये भाषा और बोली का जो वर्गीकरण है ये ही औपनिवेशिक है, हम सब जानते हैं। तो आज हमारे बीच भोजपुरी की जानी मानी कवयित्री सरोज सिंह, अवधि के अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, राजस्थानी से मोनिका गौर, हिंदी से रामज्ञा शशिधर, मैथिली से तयानंद वियोगी और पंजाबी से सुप्रसिद्ध कवि लेखक बलवीर माधवपुरी जी जुड़े हुए हैं। मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानकोश कुमार झा को आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने एक किताब ही इसी पर भाषा की राजनीति पर संपादित की है और वो किताब बहुचर्चित हुई है। वे खुद बहुभाषी हैं, मैथिली भोजपुरी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत कई भाषाएं जानते हैं, कई भाषाएं बोलते हैं। तो हमारे लिए महाविद्यालय के लिए भी यह एक गौरव की बात है कि हम इस बहुभाषिक माहौल में अपना कार्य करते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर ज्ञानकोश कुमार झा जी को। धन्यवाद श्री धर्म जी, शुभ प्रभात। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के सब लोगन के शुभकामना बा। जे सब गोटे उपस्थित छी सबके हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के
मैथिली या भोजपुरी में शुभकामना दे रहल छी, हिंदियों में बाजब। आप सबको मेरी शुभकामना। आज के इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे बलबीर माधोपुरी जी, जो पंजाबी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, मैथिली के कवि श्री तारानंद वियोगी जी, हिंदी से रामाज्ञा शशिधर जी, राजस्थानी की कवयित्री मोनिका गोड़ जी, अवधी के कवि अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, भोजपुरी की कवयित्री सरोज सिंह जी, इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक और समन्वयक डॉक्टर श्रीधरम, हिंदी विभाग की हिंदी संगोष्ठी समिति के संयोजक डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र और सभी उपस्थित विद्यार्थियों, मित्रों, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबको मातृभाषा दिवस की बधाई। जैसा कि श्री धर्म जी ने कहा, यूनेस्को की पहल पर 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं और मातृभाषाओं के महत्व पर मैं बात ज्यादा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हम सब लोग किसी न किसी मातृभाषा से जुड़े हुए हैं। मैंने आरंभ ही इसीलिए भोजपुरी और मैथिली में किया था कि जैसा श्रीधरम जी ने कहा कि मेरी मातृभाषा तो, मैं चंपारण का रहने वाला हूं तो भोजपुरी है, लेकिन मिथिला से मेरे पूर्वज वहां शिफ्ट हुए थे तो इसलिए मैथिली भी हम लोग बोलते हैं। मैथिली भी मैंने सीखी और भी कई भाषाएं हमने सीखी हैं, लेकिन मूलतः तो भोजपुरी से मेरा लगाव है। भोजपुरी मैं बोलता हूँ, घर में भी बोलता हूँ, अपने बच्चों को भी सिखाया है और उनको भोजपुरी और मैथिली दोनों भाषाएं सिखाई हैं। बाकी और भाषाओं को सीखने की उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन ये मैंने सिखाया है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अपनी मातृभाषा से अगर आप, जहां मातृ शब्द है, माँ से अगर आप नहीं जुड़े रहेंगे तो अपने जीवन से, अपने जीवन मूल्यों से, अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से आप जुड़े नहीं रह सकते, अपने लोक से जुड़े नहीं रह सकते। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और हमने जो एक, हम ये रोना रोते हैं और ये सच भी है कि मातृभाषाएं मर रही हैं, कई भाषाएं लुप्त हो रही हैं, ये यूनेस्को पे भी इस पर बातचीत होती है, यहाँ भी अपने देश में भी बातचीत होती है। अब एक अच्छी खबर ये है कि नई शिक्षा नीति में 5वीं तक कम से कम मातृभाषा में पढ़ाने की पहल की बात हुई है और क्षेत्रीय भाषाओं में भी तकनीकी शिक्षा से लेकर के बाकी अगर कोई अध्ययन करना चाहता है तो उसमें भी पढ़ाने की बात है। लेकिन कई ऐसी मातृभाषाएं हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची का दर्जा प्राप्त है, लेकिन फिर भी अभी उस स्तर पे उनको विकसित होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। कहीं कहीं इसके पीछे एक गहरी चाल है, मैं उसको राजनीति नहीं कह सकता, गहरी चाल है, वो अभी ये एक खाई है। दूसरी बात कि हमारे भीतर, हम सबके भीतर जो लोग अब गांवों से छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर गए या यहाँ व्यवस्थित हो गए, या गांव में भी और गांव के कस्बों में और छोटे शहरों में या बड़े शहरों में आए, उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी भाषा से काटा है, इसलिए कि उनको लगता है कि मातृभाषा में कोई रोजगार का अवसर नहीं है, ये रोजगार परक नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बातें रहती हैं कि इसको बोल करके या जान करके या सीख करके इनको क्या मिलेगा। तो जो रोजगार परक भाषा है, जहां से रोजगार मिल सकता है, खास करके अंग्रेजी की ओर, तो वो बरबस लोगों का झुकाव है। तो यह भी हमें, इस पर भी कहीं ना कहीं मातृभाषा दिवस पर बात करते हुए इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अगर हम सभी
सभी लोग अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने बच्चों को अपनी अपनी मातृभाषाओं से जोड़ के रखें, तो मुझे लगता है कि ये मुहिम बहुत आगे चल सकता है। न कि एक दिन 21 फरवरी को इसकी रस्म अदायगी करें कि हम मातृभाषा दिवस को, क्योंकि माँ को किसी एक दिन आप नहीं याद कर सकते। जिस भाषा में आपने अपने सब कुछ आपने सीखा, आपने माँ को बुलाना शुरू किया, आपने अपने पिता को बुलाना शुरू किया, आपने अपने सारे जन्म से लेकर के और बड़े होने तक के सारे संस्कार सीखे, सब कुछ अपनी संस्कृति, अपने लोक, अपने पर्व, अपने उत्सव, सब कुछ जहां से हंसना रोना और सपना देखना जिस भाषा से सीखा, अगर उसी से कट गए तो फिर तो माँ से कट गए। तो माँ से कटने के बाद आप बहुत आगे जाएंगे, जा सकते हैं, भौतिक दुनिया है और वैश्विक दुनिया है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आप जड़ से कट जाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक आज की तारीख में जितने लोग हैं, और ये संकल्प हमें जरूर लेना चाहिए कि अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा का ज्ञान कराएं, उनको सिखाएं, उनको बोलने के लिए प्रेरित लगता है कुछ नहीं। श्रीधरम जी ने कहा कि भाषा की राजनीति और उसकी राष्ट्रीय अस्मिता पर मैंने एक पुस्तक संपादित की थी। तो समाज में रहते हैं तो समाज में जब होंगे तो राजनीति भी होगी, और भाषा को लेकर के भी राजनीति होगी, और उसके वर्चस्व को लेकर के भी राजनीति होगी। जैसा कि अभी हिंदी के वर्चस्व की ये बात कर रहे थे कि उसमें बोलियां नहीं मानना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक वर्चस्ववादी सोच है, वैसे ही अंग्रेजी को लेकर के भी है। तो मेरा मानना ये है कि किसी भाषा से किसी भाषा का कोई विरोध नहीं है, सब भाषाएं बढ़ें, सब भाषाएं लोग पढ़ें, लेकिन हम अगर अपनी मातृभाषा को या अपनी भाषा को उस पकड़े रहेंगे तो अपनी अपने अपनी जड़ को या अपने लोक को अपनी चेतना में कायम रख सकेंगे। और मैं समझता हूं कि उससे आदमी, अपनी मातृभाषा से जुड़ने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं सच्चा रहता है, वो सुच्चा रहता है, वो बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। तो इस बात को समझना है। और आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर हिंदी विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए आप सबको बधाई, शुभकामना। और हमारे जो आदरणीय जो आमंत्रित कवि हैं, श्री बलबीर माधोपुरी जी, सरोज सिंह जी, तारानंद योगी जी, रामाज्ञा जी, और दो और लोग हैं, मैं अमरेंद्र जी और सरोनिका गोड़ जी और अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आप सबका पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार श्रीधरन जी। बहुत बहुत आभार सर। आपने कहा कि मातृभाषा से जुड़ा हुआ व्यक्ति सच्चा और सुच्चा होता है, तो इस दिन खास करके हमारे बच्चे, ये आपने की पॉइंट दिया, और बच्चे अगर इस बात को एक मंत्र की तरह लें तो जीवन में सच्चा और सुच्चा रहने के लिए मातृभाषा से जरूर जुड़े। और एक बात जो आपने बहुत अच्छी कही कि एक दिन साल में ना याद करें, हम अपनी माँ को साल में एक दिन याद नहीं करते हैं, हर दिन याद करते हैं। तो इसे अपने दैनंदिनी में, अपने व्यवहार में प्रयोग में लाएं तो बेहतर है। बहुत बहुत आभार सर। तो हम चलते हैं अब कवि सम्मेलन के महफिल की ओर। 6 कवि हमारे बीच हैं और मैं चाहूंगा कि अधिकतम 15 मिनट अगर हर कवि ले तो कुछ समय हम बचा के अपने बच्चों के लिए रख लेंगे, जिसमें वे अगर कुछ पूछना चाहे, कुछ प्रश्न करना चाहे तो उनका भी समाधान। तो चलते हैं हम सबसे पहले भोजपुरी भाषा की तरफ, जो वैसे भी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा है, और जिसमें लोक साहित्य तो प्रचुर मात्रा में है ही,
और अगर हम भिखारी ठाकुर जो शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं तो उनकी चर्चा करें तो भिखारी जी ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके साहित्य का प्रचार प्रसार भी किया और उसके बाद लगातार इसमें साहित्य लिखा जा रहा है, पत्रिकाएं लिखी जा रही है, पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। लेकिन ये अलग बात है कि हिंदी क्षेत्र में हिंदी के लोग ये इससे अनजान है। तो हमारे बीच हैं सरोज सिंह जी जो लखनऊ से जुड़ी हैं, आप गाजियाबाद के CISF के परिवार कल्याण विभाग की संयुक्त सचिव के तौर पर काम कर चुकी हैं, अभी तो को रूम थिएटर लखनऊ की संचालिका हैं, कविता कहानी आलेख आप हिंदी भोजपुरी एवं बंगला से कविताओं का अनुवाद भी करती रही हैं, लगातार सामाजिक मुद्दों पर आप लेखन करती हैं, आपका हिंदी काव्य संग्रह तुम तो आकाश हो प्रकाशित है। स्त्री होकर सवाल करती है, सुनो समय जो कहता है एवं कविता प्रसंग, साझा हिंदी काव्य संग्रह में आपकी कविताएं प्रकाशित है, धूप के रंग कहानी संग्रह में कहानी और इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविता आलेख एवं कहानी आपके प्रकाशित है। मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली द्वारा आपके कहानी संग्रह तेतरी को प्रकाशित किया गया है, भोजपुरी कविता संग्रह मनवा के बात प्रकाशित है और हम वीरांगना बोलतानी बागला कहानी का भोजपुरी अनुवाद भी हो चुका है। आपको अनेक सम्मानों एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भोजपुरी कहानी संग्रह तेतरी के लिए आपको पंडित धरीचंद मिश्रा सम्मान एवं अखिल भारतीय भोजपुरी संघ द्वारा पांडे जगन्नाथ प्रसाद सिंह पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो मैं सबसे पहले इस कवि सम्मेलन का आगाज करने के लिए आमंत्रित करता हूँ सरोज जी को। सरोज जी अपने माइक को अनम्यूट करें, माइक को अनम्यूट करें। जी जी जी, स्वागत वाणी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधरन जी, आप सभी सुधी जनों को मेरा सादर अभिवादन एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भोजपुरी है हमार माई भाषा, भोजपुरी है हमार माई भाषा, बोली जैसे मीठ बताशा, करे के हुई एकर प्रसार, तबे मान्यता दी सरकार। आज सकल भोजपुरी समाज एकजुट होके भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए प्रयासरत है। आज के इस विशेष दिन पे मैं भी यही मंगल कामना करती हूँ कि भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता मिले। अब चलते हैं अपनी रचना की ओर। मेरी भोजपुरी कविता का शीर्षक है द्रौपदी। हस्तिनापुर के पतो हम द्रौपदी आज फिर जन्मलवानी, भारत वर्ष के कन्या जेकर एगो प्रश्न समूचा नारी जाति खाती अजगो अनुत्तरित बा, कि मेहरारू के दाव पे लगावे के अधिकार के दिलस्मरत के। हजार बरिस से प्रतिवाद करे वाली ऐसन मेहरारू का देखले बनी रहुआ सबे, ओ दिन धर्मराज युधिष्ठिर भारत वर्ष के डिगा देवे वाला को प्रस्ताव पारित कैलन। हम कृष्णवर्णा सुगंधा पद्म पलास नेत्रों वाली विदुषी पांचाली के दाव पे लगावतानी, प्राण दाव पे लगावे वाला अपन मेहरी के दाव पे लगा देलस। ये पृथ्वी तब्बो न भसल काहे से कि भारत वर्ष के इतिहास में बाकी रहल ए से भी बड़ विपद, सभागार शुभ भइल बूढ़ बड़वार लोग कोसे लागल, ओ दिन रउआ सबके ज्ञात बा विदुर और गुरु द्रोण दोनों हाथ से मुख ढपले मोहग्रस्त बैठा रहे लोग। गुरुदेव राउर बाण का चिरैयन के आंख भेदल जानत रहे, वो आंखन के ना भेद सकत रह जे स्त्री के मर्यादा भेदत रहल, आपन अग्रणी लुकावत धृतराष्ट्र पूछ बैठलन के जीतल, नीरो सभागार में शकुनी के पासा बोल उठल, जीत गई नीजा हमनी के जीत गई नीजा, उल्लासित कर्ण के अट्ठास गूंज उठल। और दुर्योधन कहलन प्रतिकामी दासी द्रौपदी के सभागार में ले आओ, हमार पहल का स्वामी अधोमुख रहलन, दुसरका के अनहरियाई खीस के शांत करावत रहलन हमार तिसरका स्वामी। फाल्गुन तू इतना क्लीव रहला हाय, प्रतिकामी से हम प्रश्न पठौनी,
पता करके आवा, वो अपना के ना हमरा के कौन बाजी पहले हरलन, मगर कौनो उत्तर ना आई, मगर कौनो उत्तर ना आई। उकरे बाद सभागार में दुशासन हमार चीर खिचत, केस खिचत, बलात ले आई सभागार तक, और एक वस्त्र रजस्वला स्त्री के ठाड़ कर दिला अभिभावकन के समक्ष। साड़ी साड़ी और साड़ी, रेशम के सात रंग में ढका चुका रहल कोरु सभा। रे दुशासन सुन, शत देवता भी तोरा के ना बचा पाई है। महायुद्ध में पांडव प्रतिशोध लिए निर्लज्जता के, हम ई मूक मौन सभा के शमशान में जरत नारी के मान की चिता के दवा खई, जेमे सब कुछ भस्म हो जाई, सब कुछ राख हो जाई। धीक कुरु वृद्धगण, धीक हमार स्वामी गण, रउआ सब चुपचाप सुनत रह गए नी अधर्म की विजय, मगर हम अपन लाज अपने रखनी, गांठ खुलल ना, केहू हमार मुंह देखे कहले रहल थम जाए वाला इतिहास। तुहार सुंदराई के आगे कुल स्त्री बानरी लागे लिसन, ये कहले रहल जयद्रथ वन में हमार मार्ग रोक के, हे पुरुष रूप देखते ही कहे ओके वश में कर लिहल चाहे ललो। अन्ना मिल्ला पे निर्लज्जता से निर्वस्त करे ललो, भरेल सभागार में विधि के विधान तो हमें लोग बनावे ललो, और समय आए पे लूल हो जा ललो। द्रौपदी बहुपति वैश्या, यदि हम वैश्या तो तू पुरुष वैश्या महामती, तहरो सैया पे बविद पत्नी बहुपत्नी स्त्री लो, जौन अधिकार तोह लो खाती बा, वह अधिकार हमनी खाती भी हो। जवन महाग्रंथ तू लो रचे ललो, वो ग्रंथ हम पलट भी सके नहीं जा। सुना हे कर्ण सुबह सुना सभाजन, तोह लो के समक्ष हम एक बंकिम प्रश्न है, यदि हम प्रश्न करे नहीं तू लो भय खाएला, भीष्म पितामह तू मुख लुखावेला। धृतराष्ट्र बोली का हम कलंक की जोग बानी, आज कुरु सभा चित्कार कर उठल अशुभ सब शब्द महाराज। दुर्योधन आपन जांग दिखेलन, निहित रहल जेमे नितांत अपमान, मौन युद्ध से बूझ न पैलन महाप्राण। इतना सब कुछ होकला के पश्चात धृतराष्ट्र सिंहासन से नीचे उतरलन और कहलन, कृष्णा तारा का वर चाही मांगा, हम दू वर मंगनी। हे पिताश्री यदि रउआ प्रसन्न बानी ते वर दी कि सर्व धर्मचारी युधिष्ठिर दास मुक्त हो, दूसर का वर से दास मुक्त हो, वीर श्रेष्ठ भीम अर्जुन और नकल असहदेव, हम ही दूवर हाथ जोड़ के दांत भींच के मांगनी। विश्व वंदित स्वामी लोग के प्रति अपन संदेह उजागर भी तो ना कर सकत रहनी, सभा सदन के समक्ष हास्यास्पद हुई लोग। धृतराष्ट्र सरका वर लेवे के अनुरोध केलन, हम ना लेनी, कारण लोभ से धर्म के नाश होला। वैश्य एक वर, क्षत्रिय दो वर, राजा तीन वर व ब्राह्मण शत वर ले सकेला, रव्वलो के महाग्रंथ में यह विधान बा, रव्वलो के महाग्रंथ में यह विधान बा। हमारी आश्चर्य सिद्धांत सुन के सभा हतवाक रहल, खाली कर्ण कह उठलन, द्रौपदी दुख के महासागर में डूबत पांडव के नाव नियर उभार ले ली, इसे पूर्व ए तरह का कार्य कौन स्त्री कैले हो हम नहीं ही देख ले। हमार पांचों पति चुपचाप सुनत रहे लोग, एकरे अलावा हम कर भी का सकत रहनी। कई बरिस बाद हमार क्रोध विस्फारित भइल जब कृष्ण हमरा आगा उपस्थित भइलन, कृष्ण तू आइल बाड़ा, यदि सुना हमार व्यथा कथा, हमार कोनो युधिष्ठिर ना, कोनो भीम अर्जुन ना, कोनो पिता पुत्र बंधु बांधव केहू ना, हमार कोनो समाज ने के, यहाँ तक ही हमार पाँव के नीचे की मिट्टी भी हमार ना हा। हे मधुसूदन तू हूं ना, ओ दिन तू हूं ना रहला जब सब केहू हमरा के स्खलित मैं देख ले रहल, ई कलुष हाथ से छुअले रहल, वो अबो स्वतंत्र घुमाता रेसन। फिर हमरा के रोआ देख कृष्ण कह उठलन, भामिनी तू राज महिषी होकू, तू जिकरा जिकरा पे रिसियाई बाड़ू सब धराशायी हुई है, अर्जुन के गांडी उनके ध्वस्त करी, चाहे आकाश पतित हो, पृथ्वी खंड खंड हो जाए, हिमालय जीर्ण हो जाए, सागर शुष्क हो जाए, तथापि हमार कथन व्यर्थ न जाई, हमार अपमान के घाव में पहला मलहम लगा रहल, कृष्ण तू हमार बंधु बना रहला, ई भारत भूमि तहरा के प्रणाम कैले रहल, ई भारत भूमि तहरा के प्रणाम कैले रहल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, द्रौपदी के बहाने जो स्त्री विमर्श हम लोग आजकल करते हैं, लेकिन जो आपने प्रश्न उठाए हैं और मुरलीधारी कृष्ण से भी सवाल किया है, वे सारे प्रश्न
आज भी मौजूद है। और वे प्रश्न असल में सत्ताधारी से भी है जो उस दौर में पूछा था युधिष्ठिर से द्रौपदी ने। सरोज जी बहुत बहुत आभार आपका इतनी अच्छी कविता सुनाने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं भोजपुरी से अवधी की ओर। हमारे बीच अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आप में से बहुत सारे लोग उनसे परिचित होंगे। अमरेंद्र जी ने उच्च शिक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्जित की है। उसके बाद कई वर्षों तक मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और वर्तमान में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अध्यापक है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और सोशल मीडिया पर सक्रिय लेखन कर्म करते हुए विगत 10 वर्षों से अवधि की ऑनलाइन पत्रिका अवधि के अर्धान का संपादन कर रहे हैं। आपको बताएं कि यह आईएसएसएन पाने वाली अवधि की पहली पत्रिका है। इंडिया टुडे समूह की वेबसाइट द लल्लन टॉप पर चर्चित साप्ताहिक स्तंभ देहातनामा के लेखक हैं। प्रख्यात भाषा शास्त्री गणेश एन देवी के संपादन में हुए भारतीय भाषा सर्वेक्षण के अंतर्गत अवधि का जो एंट्रीज है उसका भी लेखन इन्होंने किया है। प्रकाशित पुस्तकें हैं अमरेंद्र जी की, बेचैन पत्तों का कोरस, कुंवर नारायण के कहानी संग्रह का संपादन है ये, समकालीन अवधि साहित्य में प्रतिरोध, जनमत की राजनीति और जियाओ बहादुर खद्दरधारी। ये अवधि कवि रफीक शादानी के कविता संग्रह का संपादन है। इसके अलावा राजकमल से अभी इनकी एक किताब आई है आधुनिक अवधि कविता, और नवभारत टाइम्स के हर रविवार को अवधि में इनका एक कॉलम आता है गलचौरा। तो मैं अमरेंद्र जी को माइक सौंपता हूं और अवधि का आनंद हम लोग लेते हैं। अमरेंद्र जी। जी, आवाज जाते है हमार? आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय संयोजक जी और हर भाषा के जोन चुना चुना फूल जोन हिया जाए मीटिंग में है सबका अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि हमारे अवधि के कवि हैं आचार्य विश्वनाथ पाठक। उनके कविता है कि फूले फरे सभ्यता सबके पनपे सबके भाषा और वंचित हुई है लोग सुखी सब जाए भाग निराशा। तो यह कामना के साथ हम अपन कुछ कविता से आप सबका जोड़ित हन। शुरुआत में एक कविता है गांव के एक बप्पा और उसके बिटिया के जो स्नेह है वका लेके, अब वो के बाद कुछ राजनीतिक कविता जो उनकी हमार कविता का एक क्षेत्र है वो पे आई जाब। तो सुना जाए सबसे पहले बप्पा और बिटियावा कि बिस्कुट का कहे कुटकुट, बिटिया का है कि बिस्कुट का कहे कुटकुट, बप्पा का कहे भप्पा, और बप्पा जो कहूं डोले हेरे वो चप्पा चप्पा, और बप्पा जो बाजारी से बिन जलेली आवे जलेबी, बप्पा जो बाजारी से बिन जलेली आवे वो माख माख रूठे हुई दौड़ के मनावे, और कांधे उठाए बिटिया वही गांव घूम ही डारे, कांधे उठाए बिटिया वही गांव घूम ही डारे, और मनहंग भय पे लौटे घर पहुंच के उतारे, और यक दिन उदास बप्पा खोपड़ी टिकाए माथे और उलचिस गिलसिया पानी बप्पो पे हंसे लागे। तो ईर थी बप्पा और ननकी बिटेवा के। अब इसके बाद कुछ राजनीतिक रंग की कविताएं और कुछ इधर की आसपास की। एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वीसी का पूरा जो दौर था और उसमें जो था तो वहां के विद्यार्थियों ने बुलाया था अवधि कविता के लिए और भी कवि सम्मेलन किया था उसमें, तो वहां पर एक कविता सुनाई थी हैप्पी टीचर्स डे गुरुजी। तो ये कविता पेश है कि हैप्पी टीचर्स डे गुरुजी, हैप्पी टीचर्स डे गुरुजी, जैसा उद्धव वैसा माधव,
तुम बुझा हम गधे गुरु जी, हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी, नाथा जाबा मुंह हमार है, हम दवरी मां नधे गुरु जी, हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी, कि सत्ता के संग साठ गांठ और प्रतिरोधों में डटे गुरु जी, हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी, बाहर से हो कटे कटे मूल भीतर भीतर सटे गुरु जी, हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी, माल देख के पाल्हा बदलत तुम इतने ललचहे गुरु जी, हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी, और पीढ़ी मुर्दा शंख हो गई, पीढ़ी मुर्दा शंख हो गई, तुम भकोर शंख हे गुरु जी, हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी, हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी। तो ये कविता थी। अब एक कविता है जो हिंदी संस्थान में जो भक्ति काल की है, उस पर एक टिप्पणी पढ़ाने लिखाने की पद्धति, कविता में एक हल्का सा व्यंग कि आवो भक्ति काल समझाई, आवो भक्ति काल समझाई, जौन व्याख्या क्यों न समझे वो तुमका बतलाई, आओ भक्ति काल समझाई, एक अखाड़ा खोली तहिमा कवियन का भिणवाई, आओ भक्ति काल समझाई, मरम कबीर उभारे खातिर लॉरेंजन तक जाई, डेविड लॉरेंजन, आओ भक्ति काल समझाई, या तो हम तुलसी का पूजी या तो फिर गरियाई, आओ भक्ति काल समझाई, सगुन अगुन के कटा जुझमा आपन खीर पकाई, आओ भक्ति काल समझाई, और खुद अपना कन्फ्यूजन पाली तुमहु कन्फ्यूजियाई, आओ भक्ति काल समझाई। ये थी भक्ति काल कविता। अब इधर की राजनीतिक घटनाओं को लेते हुए डंडा के राजनीति, वाह वाह, कि जेएनयू के अभी जो इलाहाबाद की घटना हुई उसके बाद कई लोगों को बुरा लगा, उनको लगा कि शासन का डंडा बहुत नजदीक पड़ गया है, उसके पहले दूर दूर गिरता था। सुनिएगा कि जेएनयू के लड़के पीटे तब तू हंसत रहो, बीएचयू के बिटिए पीटी तू चुपान रहो, डीयू जामिया सबमा तू मूक दर्शक रहो, अब डंडा और नगीचे परा तो छउछियात हो, केहू आपन पिटा हुए तो बिलबिलात हो, तू भूल गयो कि डंडा क्यों के सग ना आए, तू भूल गयो कि जहां पब्लिक नेतन के डंडा करे भूल जाए, वहां नेतय पब्लिक के डंडा जरूर करत हैं, सबके करत हैं और बारी बारी करत है। तो ये कविता रही। अब कोरोना काल के दौरान जो थी कि बक्सर में गंगा में लाशें जो मिली थी उसको लेते हुए, बक्सर में बहुत लहासन से एक सवाल पेश है कि बहुत लाश से पूछन उत्तर एक ना आवा, बहुत लाश से पूछन उत्तर एक ना आवा, कवन जिला के से बहो बहुत बक्सर तक आयो, कवन गांव के रहो मौत कैसे तू पायो, के तुमका यस फेंक भुलाने अंतिम क्रिया, कांधा तक ना मिला महामारी की बिरिया, कितना घटा अमानवीय कुल हमें बतावा, बहुत लाश से पूछन उत्तर एक ना आवा, कितना रहो बीमार दवाई कितना कीन हो, या फिर बिना इलाज के आपन जीव दीन हो, छोड़ इस कैस परिवार तुहें कैस संगी साथी, अंत समय मां छोड़ भगे कैस चापर नाथी, दिया तुहार कहां से के गंगा तक लावा, बहुत लाश से पूछन उत्तर एक ना आवा, धर्म कवन और जात कवन तू इहो बतायो, मरत तलक इन दुइनों का कितना सच पायो, कितना रहो इंडियन कितना रहो विदेशी, तोहरी लाश पर झगरत बाते दुई परदेसी, बिहार वाले उत्तर प्रदेश वाले नहीं, या हमारे यहाँ की लाश तुम्हारे यहाँ की लाश, कि तोहरी लाश पर झगरत बाते दुई परदेसी, खैहस रोका आपन तू पहचान करावा, बहुत लाश से पूछन उत्तर एक ना आवा, कौने दलकय रहो या फिर दलहीन रहो है, सरकारन से खुशी या फिर गमगीन रहो है, जेका वोट दिहो वो तुमका कितना चिन्हिस, जे सब कुछ लै लिहिस तुहें वो कितना दिनिस, ठगा गयो तू कितना कितना मिला छलावा,
बहुत लाश से पूछन उत्तर एक ना आवा। जतना तैरत मुले हो आहो क्या सचमुच यतना है, या जतना खोजा जय मिलत जाबो फिर वतना है। का गंगा कुछ राज दबाइन फिर तैराइन, औ केतनन का नीचे तलहट मा दफनाइन। जौन सुनिस ना केहू भेद ऊ हमें सुनावा, बहुत लाश से पूछन उत्तर एक ना आवा। बहुत लाश से पूछन उत्तर एक ना आवा। अगर समय हो तो एक छोटी सी कविता और। जी 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 जी, बस एक छोटी सी कविता। उसी कोरोना काल के बाद हमारे जो सम्मोहनाधिपति हैं इस देश के, उनकी जो क्या मनोदशा थी और उसमें कैसी कैसी स्थितियां थी, कुछ क्रियाओं के माध्यम से, देहाती क्रियाओं के माध्यम से उस व्यक्तित्व का एक चित्र लिया जाए, पेश है। कि बे हयातय मुस्कियान वाहियातय बड़बड़ान, झूठ जस बारू के भीत, झूठ जस बारू के भीत भुस भुसातय भर भरान, साच जस तीखी मिर्च पर परातय चरचरान। देख समूहे याक परलय सक सकातय मुरझुरान, डर बदन से टप चुईगा, डर बदन से टप चुईगा अचकचातय लड़खड़ान। भुई खसक गए पाँव नीचे, भुई खसक गए पाँव नीचे सक पकातय खदबदान। वाहियातय मुस्कियान बेहयातय बड़बड़ान। क्या बात है, क्या बात है, ताली तो बनती है आपके लिए। धन्यवाद अमरेंद्र जी। जो जैसा कि मैंने कहा कि लोक भाषा के शब्द, लोक भाषा ही नहीं बचेगी तो शब्द कहाँ से बचेंगे। और सरोज जी की कविता में और फिर अमरेंद्र जी की कविता में हमने देखा कि कितने शब्द ऐसे हैं जो कान को कितना लगता है कि अरे ये नया है, पहले कभी सुना है, या फिर हमारे लिए नया भी है तो लगता है कि उसको हम समझ भी गए, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत अमरेंद्र जी, आपने ये भी बताया कि अवधी भाषा में जो प्रतिरोध की तेवर है, जिसकी शुरुआत तुलसीदास ने की थी, मांग के खाई वो मस्जिद में सोई वो, वो तेवर आज भी किस तरह से कायम है। आपका बहुत बहुत आभार। हम चलते हैं अब राजस्थानी भाषा की ओर। बीकानेर से हमारे बीच जुड़ी हुई है मोनिका गौड़ जी। जैसा कुछ भाषाएं हिंदी क्षेत्र की कुछ मातृभाषाएं भाषाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं अष्टम अनुसूची में, और कुछ भाषाएं जैसा कि कहा भोजपुरी और दूसरी भाषाएं अवधी संघर्ष कर रही हैं, और हम तो चाहेंगे कि ये तमाम भाषाएं अष्टम अनुसूची में होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, ये जितनी भी मातृभाषाएं हैं ये सभी राष्ट्रीय भाषाएं। मोनिका गौड़ जी का मैं संक्षेप में परिचय देते हुए उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। उनकी लगभग 7 पुस्तकें प्रकाशित हैं, हिंदी और राजस्थानी में वो लगातार लिखती हैं, अनुवाद भी करती हैं। अपने आप से अपरिचित, हरी हरी खुशबू और काली गौरैया उनका हिंदी काव्य संग्रह है। हथेली में चांद, अंधारोरी उधारी और रिसानो चांद, ये राजस्थानी कविता संग्रह है। इसके अलावा मानिक बच्छावत ने इन शहर रा लोग मूल, हिंदी शहर के लोग का अनुवाद किया है। इनको कई सम्मान मिल चुके हैं, पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें से 2-3 का नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा। बाल कहानी नीतू का सम्मान, बीकानेर का राजस्थानी पद्य पुरस्कार, पीथल सम्मान, बीकानेर का ही हिंदी पद्य पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, नानू राम संस्कृत पद्य पुरस्कार सम्मान, गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी पुरस्कार सम्मान, नेमचंद पहाड़िया साहित्य सम्मान आदि। तो मैं अब माइक सौंपता हूं मोनिका जी को राजस्थानी कविता प्रस्तुत करने के लिए। मोनिका जी। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल जी हुकुम। तो मैं निवेदन करूं आपकी बात की, कद मिलैला मानता, कद मिलैला मान, पूत क्रोड़री मावड़ी, फिर है बिना ओलखान। और रूख है आशीषरी अरदासारा पूर, रूख है आशीषरी अरदासारा पूर, मायड़री मर जादने मत ना जा जो भूल भाईरा, मत ना जा जो भूल। तो माँ की मर्यादा को जो संस्कृति भूल जाती है, जो समाज भूल जाता है, माँ माँ बोली और माँ माटी को जो भूल जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इस सृष्टि में उनका नामो निशान भी रहता है। तो एक पीड़ा है। तो किसी ने कहा हमारे बड़े लेखक ने कि खाली धड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाण, और मायड़ भाषा रह बिना क्या रो राजस्थान। तो इस पूरे आयोजन को संचालन करने वाले श्री धर्म जी और सनातन धर्म विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा जो आपने ये मातृभाषा दिवस पर वो जी को कार्यक्रम आप तेवड़ियो है इन मौके मैंने राजस्थानी री आवाज आप सामी राखण अवसर मिलो, मैं हे तणु आप आभार ज्ञापित करूं। और उम्मीद करूं कि सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारी सभी भाषाओं को मान्यता मिले, सभी भाषाएं पेट के साथ जुड़े, रोजगार के साथ जुड़े, तो हम अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रख पाएंगे। अन्यथा औपनिवेशिक गुलामी का जो चक्र है वो हमारी पहचान को लील जाएगा। तो एक कविता मैं आपके सामने रख रही हूँ, मन बेताल। आप विक्रम और बेताल के परिकल्पना को ध्यान में रखिएगा, मेरी कविता आप तक पहुंचेगी। कि मन बेताल चढ़ो चेतना रे कांधे, पूछे अनगढ़ा तरंगी सवाल। मन बेताल चढ़ो चेतना रे कांधे, पूछे अनगढ़ा तरंगी सवाल। हे कलमरा विक्रम देवो पडूतर, हे कलमरा विक्रम देवो पडूतर, के ऐठन थोड़ी हाड़क्या खेता माई काई जोवे, आ जा पायत लुगाई राजमार्ग री माटी क्यों ढोवे, किलकारियां आंगणे री ठोड़ अकूरड़ी कुण पुगावे, किलकारियां आंगणे री ठोड़ अकूरड़ी कुण पुगावे, और शहर री सड़का माते लोही कुण बहावे, बुरो बरगद क्यों उदास है आ पीली आंख्या में किनरी आस है। ओ बूढ़ो बरगद क्यों उदास है आ पीली आंख्या में किनरी आस है, कि आजादी री इमृत बरखा हवेलिया में क्यों बरसी, आजादी री इमृत बरखा हवेलिया में क्यों बरसी, और अनविश्वासी राख संबंधां पर कुण मसली, बोल विक्रम बता विक्रम के फौलाद सूजद बन सकती ही हड़री फाल, के बोल विक्रम बता विक्रम के फौलाद सू बन सकती ही जद हरली फाल, तो दुनालियां कुण गढ़ी, तो दुनालियां कुण गढ़ी, तो दुनालियां कुण गढ़ी, और मान खे ने मान खे सू डरने की जरूरत क्यों पड़ी, अरे कारतूस रे खोल रहा, कारतूस रे खोल रहा दागीना क्यों नहीं बनाओ, और टैंक सू टावरियां ने स्कूल क्यों नहीं पुगाओ, और टैंक सू टावरियां ने स्कूल क्यों नहीं पुगाओ, बोल विक्रम बता विक्रम कुण पाले थाने सी मिटाता, कुण रोके थाने प्रेम निभाता, बोल विक्रम बता विक्रम की तो कर विक्रम, बोल विक्रम बता विक्रम की तो कर विक्रम, नी तो खिर जासी रिस्तारी मिठास, हो जासी मिनखी चारो किरज किरज, हो जासी मिनखी चारो किरज किरज, बोल विक्रम बता विक्रम मन बेताल चढ़ो चेतना रे कांधे, पूछे अनगढ़ अतरंगी सवाल, पूछे अनगढ़ अतरंगी सवाल। और एक रचना मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ जी, बिल्कुल 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 जी 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 जी, आप मुझे दिखाई देना बंद हो गए तो मुझे लगा शायद नेटवर्क का इश्यू आया। तो अगली रचना है, हारी नी है स्त्री री हूस हौसला। तो आप सीता से शुरू करिएगा और नैना सहनी तक मेरी कविता पहुंचती है, तो आपको सौंपती हूँ। के फेरू किरच किरच हो रही है सीतारी उम्मीद, फेरू किरच किरच हो रही है सीतारी उम्मीद, फेरू ठोकरा रुड़े अहल्यारो सत, स्वार्थ रे सुग्रीव री हार रो मोल चुकावे, तारा दो दो बार माडाणी कब्जाई जार, रावण रे दम्भरो रंडापो उखड़न ने मजबूर मंदोदरी, रिश्ता अर फरजरी गता गम में हो गए साव अबोट एक लापो,
उर्मिला भोगे साव एक लापो उर्मिला फेरू दांव पर ग्रस्ती रे जुए में द्रौपदी फेरू दांव पर ग्रस्ती रे जुए में द्रौपदी राज रो ताज माथे मेल छिटकाई जो राधा रो प्रेम राज रो ताज माथे मेल छिटकाई जो राधा रो प्रेम भाज जावे निजू हितरे मिस सिद्धार्थ जीवन रण में सूती एतबार री यशोधरा ने तज फेरू पी रही है ढोंगी मरजाद रो जहर कृष्णा कुमारी और हूती रही है अलोप विद्रोहरी मीरा सत्ता रे सांवरी कारण के हू रही है अलोप विद्रोहरी मीरा सत्ता रे सांवरी कारण और अबार भी बाली जावे भोलकड़ी रूप कंवर फरेबी म्यान श्यानरी अफीम चटार सही का पछे भी नी बदली भागरी रेख जके में मांड्या विधना बार बार प्रेम त्याग मर्जाद भावना सम्मान और सत्ता रे छड़गा रे तंदूर में नैना सानी ताई भुंजी जनो के बार बार प्रेम त्याग मर्जाद भावना सम्मान और सत्ता रे छड़गा रे तंदूर में नैना सानी ताई भुंजी जनो पण हर बार हारती स्त्री बावड़े आपरी ही भस्म सू हर बार हारती स्त्री बावड़े आपरी ही भस्म सू फिनिक्स पाखीरी गत क्योंकि हारी नी है जुगा जुगा सो स्त्री री हूँस क्योंकि हारी नी है जुगा जुगा सो स्त्री री हूँस क्योंकि हारी नी है जुगा जुगा सो स्त्री री हूँस। और एक रचना कोरोना काल की देन है, एक दृश्य हम सब ने देखा, पटरियों के ऊपर खून से सनी हुई रोटियां थी, तो उसको ध्यान में रखिएगा, मेरी कविता आप तक पहुंचेगी। एक इतिहास रहो है अनाज सू रोटी बनन रो एक इतिहास रहो है अनाज सू रोटी बनन रो लागे चोखी करारी सिक्योरी खीरा में के तवे माथे प्रेम सू न्यातने सू फुलाई जाऊंती गड़ा गच्छ हो घी में या लुखी गड़ा गच्छ हो घी में या लुखी माथे होवे गुड़ मलाई शक्कर बुरा या चुरियोड़ी दाल सब्जी में सही का सू रोटियां नी बदलियो आपरो स्वभाव सही का सू रोटियां नी बदलियो आपरो स्वभाव दो बगट दी रोटी सारू होती रही है सारी आपड़ खेचड़ दो बगट दी रोटी सारू होती रही है सारी आपड़ खेचड़ पेट भरण सू पेट पाटण ताई रोटियां बदलो मान खेरो व्यवहार भूख सू धायोड़ा ताई पण रोटी रही सारस्वत जांच पण रोटी रही सारस्वत जांच मिनख पणेरी जांच रोटी नी बदलियो आपरो रंग रूप सुहाई हर में सोनलिया रंग में रोटियां जकी बदलिया राज सिंहासन चूलेर राज धर्म रोटियां जकी बदलिया राज सिंहासन चूलेर राज धर्म क्रांति करती चेतना जगावती नी बन सकी कोई पार्टी रो चुनाव चिन्ह नी बन सकी कोई पार्टी रो चुनाव चिन्ह ना छपी नोटा सिक्का माथे रोटियां बदल दिया ताज निशान फिर भी किनी देश रे झंडे नी मांडी गई पण फिर भी किनी देश रे झंडे नी मांडी गई भूख रो संविधान तो बण्यो पण रोटियां रो हक नी दिरी जो पण अपरोगी लागी आज आई घणी लाज जद देखी लोही वर्णी चिंथी जोड़ी रोटी आस सागे पगां रुलती आज फेरू होई है लाल अब काली रोटियां पटरियां सूठ झंडे छपसी अब काली रोटियां पटरियां सूठ झंडे छपसी चिरलाटी मारती रोटियां सूखेला नहीं बा कर लियो है रगत सिनान। धर्म जी अभी समय शेष है, एक दो रचनाएं और पढूं? हाँ एक वहां पढ़ सकती हूं। जी 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 एक छोटी सी रचना है कि टेबल रिसाणो चांद कविता का शीर्षक है कि टेबल माथे बैठ्यो चांद छेड़ तो कलम पूछ बैठ्यो टेबल माथे बैठ्यो चांद छेड़ तो कलम पूछ बैठ्यो कद लिख्यो थे महारागी कद लिख्यो थे महारा गीत चांदनी रो संगीत मौन रा बंद पेमलिया छंद। महारी कविता में आवण सारू थाने बढ़नो पड़सी बढ़ना यानी जलना महारी कविता में आवण सारू थाने बलनो पड़सी तपनो सुलगनो पड़सी काई थे हुई सकोला लाल काई थे हुई सकोला लाल सुलझाए सकोला भूख रा सवाल मारी कलम भगत साच रो रुमान रचे है
महारी कलम भगत साच रो रुमान रचे है और इन्हीं जसारू लोगा रे चुभे है। तद सुन रूसियोड़ो चांद पसरियो पड़ियो है टेबल रे पसवाड़े। तद सुन रूसियोड़ो चांद पसरियो पड़ियो है टेबल पर कलम रे पसवाड़े कलम रे पसवाड़े कलम रे पसवाड़े। तो इन आयोजन सारू सगला आयोजका ने संयोजका ने घना घना रंग धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूं कि हमारी भाषा ने मान्यता मिलेला और ये कार्यक्रम इसी तरीके से चलते रहे। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की मेरे सारे दिन है। जय राजस्थान जय राजस्थान। बहुत बहुत आभार मोनिका गौर जी, और आपने अपनी कविता के विविध रंगी छटा से इस मंच पर ये आपने दिखाया कि राजस्थानी कविता के कितने रंग हैं और वो समकालीन मुद्दों से समकालीन संदर्भों से समकालीन समस्याओं से समकालीन विद्रूपताओं से वो मुंह नहीं छुपा रही है बल्कि मुखर होकर के कविता में आ रही है। आपका बहुत बहुत आभार। हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच रामज्ञा शशिधर जी हैं। आज उनको मैंने हिंदी कवि के रूप में आमंत्रित किया है। रामज्ञा जी दिनकर के गांव सिमरिया से आते हैं, इसलिए उनके उनकी कविता में और उनके स्वभाव में दिनकर का ओजपन जो है अंतर्व्याप्त है। सच को सच और झूठ को झूठ कहने की उनकी बुरी आदत है और इसीलिए कई बार इसका जो खामियाजा होता है वो भी भुगतते रहे। रामज्ञा जी बिल्कुल जन पक्षधर कवि हैं और जनता के कवि हैं और जन परंपरा को कायम रखने वाले कवि हैं। आपने उच्च शिक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्जित की है और इसके बाद अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। बुरे समय में नींद आंसू के अंगारे विशाल ब्लेड पर सोई हुई लड़की आपके काव्य संकलन है। संस्कृति का क्रांतिकारी पहलू जन इतिहास है। बाढ़ और कविता का आपने संपादन किया है और किसान आंदोलन की साहित्यिक जमीन आपकी बहुत ही मेहनत और शोधपूर्ण यह किताब है जो आपने राजस्थान बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और कई गांव जवारों में जाकर के किसान आंदोलन के गीतों को इकट्ठा किया और उस पर इस किताब की रचना की। तो रामज्ञा शशधर जी का आत्मराम सनातन धर्म के इस मंच से मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वे आज अपने उस जन पक्षधर कविताओं से हमारे छात्रों का हमारे श्रोताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। रामज्ञा जी। जी श्री धर्म जी नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को समर्पित मेरी पहली कविता जिसमें दिनकर की गूंज तो है ही लेकिन बनारस से उठती हुई आदि कविता कबीर की मिट्टी की भी तलखियां दिखेंगी। कविता का शीर्षक है सूरन। यह कविता मातृभाषा पर ही है। हाँ, मैं बता कोई दांत निपोड़े। हाँ, मैं एक शब्द बता दूं। ये जो सूरन है उसको हम लोग मैथिली में ओल बोलते हैं, कहीं जमीकंद भी बोलते हैं, तो क्लियर हो जाएगा कविता का जो है। जी 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 जी, स्वाद से कविता शुरू हो रही है, भाषा के स्वाद से और जीव के स्वाद से। सूरन। कोई दांत निपोड़े या नींबू निचोड़े, खुरचन से रगरे या सितुआ खखोरे, कब कबानी की कवायद, मेरा स्वभाव क्या करूं मिट्टी से रहा ऐसा लगाओ। चाहे जिस भाषा में रहूं, काम करूंगा ऐसा कि लगूं कि लगता रहूं जीभ को, ताल उलार कंठ को,
आत्मा अमाशय आत को रसायन बुद्धि विचार को सूरन जो हूं भाई, सूरन जो हूं भाई, इतना उपेक्षित हूं कि माथे पर फूल नहीं, कलेजे में बीज नहीं, कलमूही सूरत है, चेहरे पर आब नहीं। फालतू बोझिल समय ने फेंक दिया गांठों के गुच्छ को, बसवाड़े गंडोरे या भट्ठे के पांव तले, फैलना पड़ा धीरे धीरे धरती के गर्भाशय को जबरिया फैलाता हुआ। कोख का जीवन से ऐसा ही रिश्ता है। सूरन, ओल, बंडा या जमीकंद, जिस नाम से जो भी पुकार ले, सूरन, ओल, बंडा या जमीकंद, जिस नाम से जो भी पुकार ले, कब कबाहट में फर्क नहीं, एक जैसी कवायद है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी हो, ब्रज, बुंदेली, पहाड़ी, मेवाड़ी हो, हर बोली में मिल जाएंगे मेरे आशिक, चोखे के, सब्जी के, मुरब्बे के, अचार के। हिंदी ही क्यों, टमाटर, गोभी, भिंडी के भी बदल रहे हैं रूप, रंग, स्वाद, चाल, ढाल। मैं रह गया ओल का ओल, ना मिली नागरिकता ना भूगोल। क्या बात, क्या बात। ये पहली कविता। किसान और बुनकर पर कुछ कविताएं साथी श्री धर्म जी के लिए, जो सबल्टर्न के लिए समर्पित लेखक हैं। पहली कविता विदर्भ। संसार का सबसे बड़ा श्मशान, धूसर, सलेटी, काला। संसार का सबसे बड़ा कफन, मुलायम, सफेद, आरामदेह। मणिकर्णिके, तुमने विदर्भ नहीं देखा है। मणिकर्णिके, तुमने विदर्भ नहीं देखा है। दूसरी कविता इस देश के किसानों को संबोधित है और समर्पित है। कविता का शीर्षक है खेत। खेत से आते हैं फांसी के धागे, खेत से आती है सल्फास की टिकिया, खेत से आते हैं श्रद्धांजलि के फूल, खेत से आता है सफेद कफन, खेत से सिर्फ रोटी नहीं आती है। क्या बात। एक कविता बुनकर के लिए, रेशम के कीड़े। बुनकरों का जो हाल है ढाका से बनारस तक और ब्रिटिश राज से अब तक, उसका दर्द इस कविता में है। छोटी सी कविता है, रेशम के कीड़े। जो स्वाब खाते हैं वे देते हैं मूंगा। स्वाब खास तरह के रेशम का पेड़ है, ये पेड़ों के नाम है इसमें। जो स्वाब खाते हैं वे देते हैं मूंगा, अर्जुन की पत्तियां खाने वाले बनाते हैं तसर, शहतूत खाकर मलबरी रचते हैं। वह जो मूंगा, तसर, मलबरी से एक साथ बुनता है बनारसी साड़ियां, बुनने के बाद भूख से मर जाता है। इसके बाद एक कविता मैं समर्पित कर रहा हूं अपने छात्र छात्राओं को, और यह बसंत का मौसम है। श्री धर्म जी ने शुरू में ही मातृभाषा और बासंतिक बोध को जोड़ा था। कविता का शीर्षक है लड़कियों का साइकिल स्टैंड। कुछ बिंब है इसमें, चित्र है, देखिए। लड़की और साइकिल को ध्यान रखिए और कॉलेज को। लड़कियों का साइकिल स्टैंड। एक की गलबहियां किए दूसरी खड़ी है, दूसरी की टांग पर पहले ने रखी टांग, तीसरी खींच रही दूसरी का रिबन, चौथी की सिल्की चोटी तीसरी के कंधे पर, पांचवीं नाराज है चौथी की बदतमीजी से, छठी गुमसुम कर रही सातवीं का इंतजार, आठवीं के तलमों में धूल कीचड़ सने हुए, नवीं उससे चिपकी जैसे लेस्बियन प्यार, दसवीं है उछटी हुई चिड़चिड़ी बेचैन, बदन में जैसे उठ रहा हो जादू जैसा दर्द, ग्यारहवीं की कमर को सहला रही गिलहरी, बारहवीं पर बयाने गरा रखी है चोंच, भले दिखे तेरहवीं पर इम्तिहान का डर, छोर उसे चौदहवीं जाएगी मधुबन, कतारबद्ध खड़ी हैं लड़कियों की आत्माएं,
आरजू, आशकी, दीवानगी, तमन्नाएं, एवन वाली बोल्ड, एटलस वाली स्मार्ट, हरिया हरकुलस के अलहरपन के क्या कहने। क्लासरूम में सहेलियां अभी झेल रही होंगी सितम, भूगोल ने भटकाया होगा अक्षांश और देशांतर पर, इतिहास ने डाला होगा कब्रों का कुछ बोझ, साहित्य के ब्रह्म राक्षस ने बाबड़ी में डुबोया होगा, गृह विज्ञान ने दिया होगा पुदीना में डालडा घोल। क्या बात, एवन वाली सोचती बजा दूं क्या घंटियां, एटलस वाली बोलती बजा दे कोई घंटियां, लो हरिया हरकुलस ने बजा दी, टुन टुना टुन, टुन टुना टुन, टुन टुना टुन। ये कविता, और इसके बाद अपने समय पर एक छोटी सी व्यंग्य कविता, व्यंग्य गीत है। कविता का शीर्षक है व्यर्थ गए दोहे कबीर के, आंखों से दर्द झरे मीर के, तनमन में घाव उगे तीर के, व्यर्थ गए दोहे कबीर के। नियत विश्वासों की रोज उठे डोली, भेड़िये भी बोल रहे मानव की बोली, तेसू के वृक्ष जने लाल लाल कांटे, बैगन विशाल हुए आम हुए नाटे, सूख गए सोते जमीर के, व्यर्थ गए दोहे कबीर के। कैक्टस के माथे पर गेंदे की कलियां, बेहिसाब दीवारें बेनकाब गलियां, सूरज के माथे पर काली रेखाएं, बारूदी चादर में लिपटी दिशाएं, चुभा जाए खंजर समीर के, व्यर्थ गए दोहे कबीर के। खा जाते सारे फल पेड़ यहां अपने, खा जाते सारे फल पेड़ यहां अपने, नफरत का राज हुआ प्रेम हुए सपने, आंचल में आग भरे नदियों की बाहें, दूध नहीं पानी देती हैं गायें, व्यर्थ गए दोहे कबीर के, आंखों से दर्द झरे मीर के, तन मन पे घाव उगे तीर के। और यह कविता हमारे आत्माराम कॉलेज के प्रखर साहित्यिक सांस्कृतिक संचालक हमारे पुराने मित्र अरविंद मिश्र जी के लिए है, जिन्हें यह कविता पसंद होती और मैं ऑफलाइन होता तो उनका आदेश होता मंच पे आकर कि भाई रामाज्ञा शशिधर तुम ये कविता सुनाओ सिमरिया घाट वाली, तब यहाँ से जा सकते हो। बिल्कुल, तो मैं उनकी कुछ फरमाइश है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो ये जो अब ओमिक्रॉन को हम लोगों ने हरा दिया है, उनको ऐसा धक्का दिया है कि वो बेचारे बहुत कमजोर हैं, और तब मुझे लगता है कि कविता और जो है धुंध को छाट करके चीजों को साफ साफ दिखा रही है। तो अरविंद जी के लिए साहब जी के द्वारे पर, यह कविता गांव के मुखिया के लिए भी है और देश के मुखिया के लिए भी। साहब जी के द्वारे पर सत्संग लगा है, इस नैया की हर कांटी में जंग लगा है, खाता खसरा रकबा तौजी साहब जी के द्वारे पर, चुटकी दस्खत चलमन मौजी साहब जी के द्वारे पर, मूल सूद में डीह करारी साहब जी के द्वारे पर, मसोमात की खुल गई साड़ी साहब जी के द्वारे पर, भर दीयर का खर अजवाइन साहब जी के द्वारे पर, पंचायत में मुर्गा फाइन साहब जी के द्वारे पर, चले बने तो छह जरीब धसना गिर जाए, गंगा मैया इस मकान की ईंट भसाए, एक तार पर दस दस पीपल साहब जी के द्वारे पर, एक तार पर दस दस पीपल साहब जी के द्वारे पर, अकर रहा पब्लिक चापाकल साहब जी के द्वारे पर, सभा भवन का गिट्टी चूना साहब जी के द्वारे पर, बंटवारे का नया नमूना साहब जी के द्वारे पर, रेल का डब्बा यार्ड की पटरी साहब जी के द्वारे पर, नमक चाय काजू की गठड़ी साहब जी के द्वारे पर, हथियारों की परे सलामी साहब जी के द्वारे पर, हथियारों की परे सलामी साहब जी के द्वारे पर, जर्सी गाय गांव में नामी साहब जी के द्वारे पर, कैसा लगे तुम्हें यदि गाभिन गाय मरे तो,
साहब जी पर पूरी रस्सी पाप पड़े तो चौकीदार बथान बटोरे। चौकीदार इन दिनों ज्यादा पॉलिटिकल शब्द हो गया है, जब लिखा था तब इतना नहीं था। चौकीदार बथान बटोरे साहब जी के द्वारे पर, जनसेवक जी खटिया घोरे साहब जी के द्वारे पर। और मैं अब देख रहा हूं कि ये कविता गांव के मुखिया, देश के मुखिया से अब कारपोरेट मुखिया तक बढ़ गई, क्योंकि इस देश के कारपोरेट जो अंबानी अडानी जैसे भाग विधाता हैं, अब इस कविता में यहां से शायद वो भी साहब जी दिख रहे हैं। जैसे देखिए चौकीदार, अब चौकीदार बथान बटोर रहा है साहब जी का बंबई में और वाशिंगटन में। चौकीदार बथान बटोरे साहब जी के द्वारे पर, जनसेवक जी खटिया घोरे साहब जी के द्वारे पर, जीएम डीएम सीएम पीएम साहब जी के द्वारे पर, जीएम डीएम सीएम पीएम साहब जी के द्वारे पर, एबीसीडी जेके एलएम साहब जी के द्वारे पर, बीजहीन डंकली टमाटर साहब जी के द्वारे पर, बिल क्लिंटन का खुल गया क्वार्टर साहब जी के द्वारे पर, झाग में डूबा नंगा फोटो साहब जी के द्वारे पर, हाँ जी टोटो टोटो साहब जी के द्वारे पर। क्या करिएगा, है तो है अभियान अधूरा, जब साला बलचनमा भी मिलता पे घूरा, चुटकट पान प्रपंची जड़दा साहब जी के द्वारे पर, चुटकट पान प्रपंची जड़दा साहब जी के द्वारे पर, बुढ़िया भी ढोती है पर्दा साहब जी के द्वारे पर, लाल कार्ड का कम्बल धोती साहब जी के द्वारे पर, फंस गई मुलुआ डोम की पोती साहब जी के द्वारे पर, मंद मंद कोऑपरेटिव खिलता साहब जी के द्वारे पर, खाद का पैसा चैत में मिलता साहब जी के द्वारे पर, आम सभा प्रस्ताव हवाई साहब जी के द्वारे पर, जनता है नवकी भौजाई साहब जी के द्वारे पर, कौन बने चालकी और झंडी कौन दिखाए, राम ही जाने कब गाड़ी पलटी खा जाए। और अंतिम बंद है साहब जी के द्वारे पर की इस कविता का, कि गांजा साफी चिलम गुलाबी साहब जी के द्वारे पर, गांजा साफी चिलम गुलाबी साहब जी के द्वारे पर, खखरू को मकरू का दाबी साहब जी के द्वारे पर, अष्ट जाम का सारा चंदा साहब जी के द्वारे पर, खून के इसका अगला फंदा साहब जी के द्वारे पर, हर पार्टी का झंडा लहरे साहब जी के द्वारे पर, लेलिन गांधी गोडसे घरे साहब जी के द्वारे पर, शंख जाप पोथी और सुरमा साहब जी के द्वारे पर, शंख जाप पोथी और सुरमा साहब जी के द्वारे पर, लोकतंत्र की जौ का चुरमा साहब जी के द्वारे पर, यही कहीं पर बरगद झुर्रीदार खड़ा है जिसके नीचे इस बस्ती का न्याय मरा है, जिसके नीचे इस बस्ती का न्याय मरा है। तो ये कविता थी बनारसी दोहे, एक दो बनारसी दोहे जो दोहे, हाँ हाँ जी जी, एक दो जो याद दोहे हैं, बदलते हुए बनारस पर कुछ दो चार दोहे मैं आपके सामने रख रहा हूं, और जो बनारस का बुद्ध से अब तक का प्रतिरोध है इन दोहों में वो दिखेगा। आजकल बनारस टूट रहा है और उसमें आधुनिकता घुस रही है। एक दोहा परंपरा और आधुनिकता को लेकर, कि ढाई फुटी पैदल गली पांच फुटी है कार, ढाई फुटी पैदल गली पांच फुटी है कार, दिल्ली तेरी नीतियां काशी में बेकार, दिल्ली तेरी नीतियां काशी में बेकार। क्यों बेकार है, अगला दोहा देखिए, कि सड़क साढ़ पागुड़ करे, ये धौला कुआं नहीं है श्रीधरम जी कि आप निकाल लें इधर से उधर से, एरो सिटी नहीं है ये जी, जी, ये जी। है कि सड़क, ये इसकी सड़क देखिए जरा इसकी खूबसूरती, कि सड़क साढ़ पागुड़ करे अहूटर करे सलाम, सड़क साढ़ पागुड़ करे अहूटर करे सलाम, अब बाएं में दायां घुसे काशी चक्का जाम, बाएं में दायां घुसे काशी चक्का जाम। और तीसरा दोहा देखें आप, कि गगन मध्य निर्मल पवन धरती उठती धूल, गगन मध्य निर्मल पवन धरती उठती धूल,
इस आंधी में सब उड़े फल फुनगी और मूल। और जरा हिंदी का हाल, भारतेंदु की गली का हाल बता देता हूं कि भारतेंदु की गली में पिज्जे का व्यापार, भारतेंदु की गली में पिज्जे का व्यापार, नई चाल में ढल रहा हिंदी का बाजार, नई चाल में ढल रहा हिंदी का बाजार। और अंतिम दोहा जो इस देश के किसानों के नाम है, इसी से मैं अपने काव्य पाठ का अंत चाहता हूं कि खेत चोर हीरो बना होरी मरता रोज, खेत चोर हीरो बना होरी मरता रोज, भूमि माफिया कर रहे प्रेम चंद पर शोध, भूमि माफिया कर रहे प्रेम चंद पर शोध। इसी के साथ आप सब मित्रों को और अपने छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हम सब अपनी अपनी मातृभाषाओं में संवेदना को जिंदा रखेंगे, कला को जिंदा रखेंगे। मुझे लगता है अगर कविता साहित्य अगर मनुष्यता की मातृभाषा है तो मातृभाषा और मनुष्यता को जिंदा रखने के लिए जितनी साहित्य की जरूरत है उतनी ही साहित्य को जिंदा रखने के लिए मातृभाषा और उसकी मनुष्यता की भी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार रामज्ञा शशिधर जी। भूमि माफिया कर रहे प्रेम चंद्र पर शोध, इससे ज्यादा विद्रूप ता हमारे समय और शिक्षा व्यवस्था के लिए और कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन ये कड़वा सच है जिसके हम सब गवाह हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार इतने शानदार काव्य पाठ के लिए और उतनी ही अच्छी कविता के लिए। हम अब चलते हैं मैथिली की ओर, जे हमरो अपन मातृभाषा छे। मैथिली से आयल छथि तानंद बियोगी जी। तानंद बियोगी मैथिली के साथ साथ हिंदी में भी लगातार लिखते रहे, कविता आलोचना कथा जीवनी संस्मरण क्षेत्रीय इतिहास तमाम विधाओं में, दर्शन तमाम विधाओं में बियोगी जी ने लगातार रचना की है। उनकी कुछ प्रसिद्ध और चर्चित प्रकाशित कृतियों का नाम मैं लेना चाहूंगा, अपन युद्धक साक्ष, हस्तक्षेप, प्रलय रहस्य, दुनिया घर मेहमान, साखी, ये सब कविता संग्रह। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी से अनुवाद भी किया है और मैथिली से हिंदी में भी अनुवाद किया है। आलोचना की आपकी पुस्तक है कर्मधारय, बहुवचन, राम कथा और मैथिली रामायण, मंडन मिश्र, मिथक यथार्थ, धूमकेतु, महाप्रकाश आदि पर आपने भी निबंध की रचना की है। यात्री नागार्जुन पर आपके संस्मरण तुमी चिर सारथी बहुत चर्चित हुआ था और फिर आपने बाद में इसे बृहत रूप देते हुए युगों का यात्री नाम से नागार्जुन की जीवनी लिखी जो राजकमल से प्रकाशित हुई है और बहुत चर्चित भी हो रही है वह एक प्रामाणिक जीवनी के रूप में। आपने अपने जमाने के मशहूर कवि लेखक राजकमल चौधरी की जीवनी को भी लिखने का प्रयास किया है, जीवन क्या जिया। आलोचक चिंतक के रूप में आप चर्चित रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कविता जितनी मिट्टी से जुड़ी हुई होती है अर्थात स्थानीय होती है उतनी ही ग्लोबल भी होती है। तो मैं आमंत्रित करता हूं तानंद बियोगी जी को मैथिली कविता पाठ के लिए, अगर वो चाहें तो कुछ कविताओं का हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं ताकि और लोग भी समझ जाए आसानी से। वे उनके ऊपर है। बियोगी जी स्वागत है चाहकर।
धन्यवाद श्रीधरम जी, एते कविता सब मातृभाषा में सुने तो बहुत आनंदित भेल छी। और एकरा लेल से अहाँ के कॉलेज के प्राचार्य जी के आयोजक के और संचालक के रूप में अहाँ के और जे शामिल भेलखिन हैं कवि लोकन हुनका सब गोटे के प्रति बहुत आभार व्यक्त करै छी। मातृभाषा दिवस के अवसर पर सब गोटे के बधाई शुभकामना। हम दू तीन टा कविता अपन सुनबै छी। एक कविता की एकटा कविता के शीर्षक छे अजान। अजान अजान जे नमाज से पहिने पढ़ल जाय छे। अजान पढ़ रहल छथि मौलवी साहब जना कोनो तिलस्मी बांसुरी बाजि रहल हुए धैवत धुन में धोयत पखारैत सौंसे संसार के कोहराम के शब्द सँ बहराय छथि अल्लाह आ उठैत उठैत निःशब्द धरि ठका देल जाय छथि। मूर्त सन करुणा एगो ओहि आलाप में गुथैल बीच बीच में जखन लै छथि विराम मुखर सँ मुखरतर मौन बाग भ जाइत अछि अंतरिक्ष में आ अंतरिक्षक नीचा में ठार हम उबडूब करैत शाश्वत निरभ्र प्रतीक्षा आतुर कखन मौलवी साहब अगला पद कहथिन। ऐ अनभुआ ठकान पर ठहरल छी संजोगात की पता शेष चार बेर का नमाज लेल अजान के देते थीन। ई बेचारे तो उदित होय छथि नित्य रोज अहि बेर रातुक आखरी अजान काल में आकि सब बेर यह दैत होयत हम ही नहीं सुन पावैत होय कोहराम में जे कि अहि दिनक सबसे बड़का सत्य बनल अछि। जानि नहि अहि बेचारे मौलवी साहब के की कहि के पुकारैत हेतन हुनकर समाज। मुअज्जिन हुजूर तो नहिए कहैत हेतन नहीं जानि आर्थिक सखापात कोन तरह मददगार होयत हेतन आकि नहि होयत हेतन। कहने असंतुष्ट त नहीं रहैत हेता कदाच कहने असंतुष्ट त नहीं रहैत हेता कदाच जो रहैत असंतुष्ट त ई कते महा अनर्थ बात मनुष्यता के लेल जो रहैत हेता असंतुष्ट त ई कते महा अनर्थ बात मनुष्यता के लेल बुद्धक करुणा जाय व्यक्तिक आवाज में प्रत्यक्ष ओह ओकरा त राजा हेबाक चाहिए मुदा की पता पचासों टा प्रश्न मौन में उचरै है एक ओ आदमी के लेल जकरा की कहियो हम देखनो नहीं छी चिन्हे परजंत नहीं छी बस एतबे में एतबे जे उम्हर ओ पढ़ रहल छथि अजान आ एम्हर हम सुन रहल छी उबडूब उन्मेष में। जाधर खत्म नहीं भौ जाइए अजान कतौ दोसर दिस न जायत चित्त न कान ओह क्यों हमरा मौलवी साहब के संग कहियो बैसाब त। दोसर कविता जे हम सुनबै छी और कविता के शीर्षक छे घरबे। घरबे घर के मालिक घर घरवासी घरबे छी यो देहरिया पर से आवाज द रहल छे हमर क्यों अपेक्षित। घरबे छी यो देहरिया पर से आवाज द रहल छे हमर क्यों अपेक्षित हम घरे में छी घरक भीतर चौकी पर बैसल निहार रहल छी ए बगड़ा के। बगड़ा चार में लगेने इस खोता खोता में ओकर चार पांच टा बच्चा आ तकरा सबसे बतिया रहल है जखन विभोर आ हम विभोर छी ए बगड़ा के देखबा में। हम अपन घर में छी आ ई बगड़ा सेहो अपन घरे में अछि। हम अपन घर में छी आई बगड़ा सेहो अपन घरे में अछि। घरबे छी यौ फेर पुकार लगबै छथि अपेक्षित एह केहन रहतै जो हमरा बदला ई बगड़ा दिए जवाब आओ आओ अपेक्षित अहाँ के स्वागत। ओह केहन रहतै जो हमरा बदला ई बगड़ा दिए जवाब आओ आओ अपेक्षित अहाँ के स्वागत। और मातृभाषा दिवस मैं पर हम अपन ये आखिरी कविता सुनबै छी। कौन उपाय छोड़ती मैं हमर संग
नहीं छोड़ सके छत, मतलब कौन उपाय छोड़ती मैं हमर संग, बहुत मनसूबा से देने छल हेती जन, बहुत मनसूबा से देने छल हेती जन कतेको रास नियार भास, कतेको कतेक आस मनोरथ, घुमरैत उमरैत रहैत छल हेतन हुनका चतुर्दिक ओहि 9 मास में जखन हम हुनका गर्भ में रही। कतेको रास नियार भास, कतेको कतेक आस मनोरथ, उमरैत घुमरैत रहैत छल हेतन हुनका चतुर्दिक ओहि 9 मास में जखन कि हम हुनका गर्भ में रही। ओहि एक कालखंड में जखन कि हुनका हम गर्भ में रही, ओहि एक कालखंड में जतेक जे माय रहल हेती कल्याणक योग्यताधारी 84 लाख योनि के मध्य, सभक बीच में रहल हेतन एक मूक प्रतिस्पर्धा, मूक मुदा जटिल, अपन अस्तित्व के तरैस तरैस, शक भर चिपकन चुनमुन गढ़ गढ़, वो हमरा देने चल हेती आकार, ए सृष्टि के अपन अधिकतम दाय देने चल हेती जे कि वो दे सके छली हमरा रूप में, आप ओहो प्रतिस्पर्धा में लेने चलेती भाग, कोना हम मानव जे मैं हमर मिर गेली आ छोड़ गेली हमर संग, जा हम जीवे छी कौन उपाय छोड़ती मैं हमर संग। धन्यवाद। एक और कोई कविता अगर अंतिम सुनाना चाहे। हमरा कहे छी, हाँ हाँ मुझे कह रहे हैं आप, मैं अभी एक हाल की कविता में सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है थुके तहाक ठोप पर बंदूक पर। ये अफगानिस्तान के घटना के संदर्भ कनी ले में, लाख जतन कौ लिया जन्मती कन्या जरूर, लाख कोशिशें आप कर लें लेकिन लड़कियां पैदा होना बंद नहीं करेंगी। लाख जतन कौ लिया जन्मती कन्या जरूर, अहाक बर्बरताक नग्न रूप देखार करैत, धंगैत अहाक महानताक जाबंतो पथार, थुकैत अहाक ठोप पर बंदूक पर, चाँप चढ़ेबाक अहाक जुगार जंत्र पर, औंठा देखबैत अहाक पुरखार्थ पर, जन्मती कन्या जन्मैत रहती। कतेक हैब आर अहाँ बरबर, हिंदुत्वक बर्बरता के पल छिन में छोट कह दे तालिबान, ओकर अत्याधुनिक राइफल लग में कते चुचुन्न लागत अहाँ के स्त्री संहिता, ओकर राइफल लग में कते चुचुन्न लागत अहाँ के स्त्री संहिता, बंद कह दियो विश्वविद्यालय, ओकर रोजगार निरस्त कह दियो तमाम, पहाड़ा बैसा दियो ओकर पहिरब ओढ़ब पर, ओकर हक हकूक सबटा छीन लियो मुदा जन्मबो नहीं छोड़त, बड़ भारी टास्क छे ओकरा पर, ओकरा ए पृथ्वी के बसवा योग्य बना के रखबाक छे, उसे इस धरती को बसने लायक बना के रखना है, बहुत बड़ भारी टास्क छे ओकरा पर, ओकरा ए पृथ्वी के बसवा योग्य बना के रखबाक छे, घृणा नहीं प्रेम थिक शाश्वत से ओकरे करबाक छे प्रतिपादित, अहाँ अपन छोटा से बने नहीं आओ बाज, धर्मक करू बहन्ना की पशुत्वक, कन्या के जन्म से नहीं रोक सकब हे अभागल। बहुत बहुत आभार तारानंद वियोगी जी, आपने अंतिम दोनों कविता, आज ये भी एक सुखद संयोग है कि मातृभाषा दिवस है और बिना माँ स्त्री शक्ति के न तो इस दुनिया की कल्पना की जा सकती है न भाषा की। और सरोज जी ने जो द्रौपदी से शुरुआत की थी, वहां से होते हुए यहाँ तक हम किसी न किसी रूप में अपने उस मातृशक्ति के आसपास परिक्रमा लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वियोगी जी बहुत ही संवेदनशील कवि हैं और उनकी स्थानीयता में वैश्विकता रहती है, चेतना संपन्न है, दृष्टि संपन्न है। आपकी कविता से हम समृद्ध हुए,
आपके बहुत बहुत आभार, फिर मौका लगते तो अब मैं चलता हूँ। हमारे आज के अध्यक्ष, इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष वरिष्ठ कवि, पंजाबी के बहुचर्चित कवि लेखक श्री बलबीर माधवपुरी जी के पास। मित्रों, जालंधर के माधवपुर गांव में जन्मे बलबीर जी, इसीलिए माधवपुरी है। दलित चेतना और संवेदना के माध्यम से बलबीर माधवपुरी जी ने पंजाबी साहित्य में अपना एक मुकाम, एक मुकम्मल स्थान बनाया है। आपकी 7 से अधिक मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, लगभग 1 दर्जन से अधिक, जिनमें कविता, आत्मकथा आदि प्रमुख है। संस्मरण, मरुथल दा विरख, भकदा पताल, छंग्या रुख जो आपकी आत्मकथा है, समुंदर दे संग ट्रेवलॉग, दिल्ली की विरासत, मिट्टी बोल पाई आदि अनेक किताब पुस्तकें आपकी बहुचर्चित हुई है। आपने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों का पंजाबी में और इतनी पुस्तकों का संपादन किया है, अनुवाद और संपादन किया है। अपने साहित्यिक सृजन के बूते आपने नेपाल और पाकिस्तान में आयोजित सार्क सम्मेलनों में भी आप शिरकत कर चुके हैं। बलबीर माधवपुरी जी की आत्मकथा छंग्या रुख में हम उनके सृजन प्रक्रिया को समझते हैं, जानते हैं, समझ पाते हैं। यह एक पंजाबी की तो बेस्ट सेलर बुक है ही, कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी इसके अनुवाद हो चुके हैं। पंजाबी में तो इसके 5 से अधिक संस्करण हो चुके हैं, हिंदी में भी यह प्रकाशित है, आप पढ़ सकते हैं। अभी अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ये आत्मकथा प्रकाशित हुई है। आप योजना पंजाबी भारत सरकार में एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप भले मानुष हैं। कुछ दिनों के परिचय और मैं स्टूडेंट लाइफ में, मुझे याद है कि मैं आपसे कहा कि मैं आपके गांव घूमने जाऊंगा, और आपने कहा चलो, और वो पूरे 1 सप्ताह की यात्रा आज तक मेरी आंखों में बसी हुई है। तो मैं आमंत्रित करता हूं अपने आज के इस अध्यक्षीय कवि पंजाबी के बलबीर माधवपुरी जी का, माइक ऑन कर ले सर। हाँ, माइक आपका म्यूट है, उसे अनम्यूट करना होगा। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ओके। श्री धर्म जी और आदरणीय कवि मित्रों, सबसे पहले श्री धर्म जी, मैं अपने बारे में ना थोड़ा सा और अपडेट कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरी इंट्रो हुई है ना, ओ दैट वाज वेरी ओल्ड। मैं आपको बताना सबको चाहता हूँ कि आई हैव ऑथर्ड 14 बुक्स। दूसरा कि जो छंग्या रुख है पंजाबी में आई थी 2002 में, और उसके 16 एडिशन जो है पंजाबी में आ चुके हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसके 2 एडिशन आ चुके हैं। और इसका शाहमुखी, उर्दू, कई भाषाओं में, जो रशियन, पोलिश लैंग्वेज में भी अनुवाद हो चुके हैं। हाँ जी। तो इसके अलावा जो मेरा नावल मिट्टी बोल पई, उसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे को पिछले साल नवंबर में 6 लाख रुपए का मिला। नावल है वो दैट इज आल्सो फोकस्ड ऑन द दलित इशू। हाँ जी। छंग्या रुख तो आपको पता ही है कि सब जगह पढ़ा ही होगा। और मैंने तकरीबन 46 बुक्स आई हैव ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी इनटू माय मदर टंग पंजाबी। सो एडिट भी किया 45-46 किताबें। तो इसके आगे मैं सबसे पहले तो आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, मातृभाषा दिवस, उसके लिए
आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस मौके पर मेरे को भी आपने बुलाया और बात करने का मौका दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरा ये है कि चाहे मैंने मैथिली, हिंदी, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी में कविताएँ सुनी है, मैंने इसका पूरा आनंद लिया और मेरे को पूरी समझ आई है। आप तो फिर भी उस साइड के आके समझते हैं, मैं पूरा एंजॉय किया इसको, बहुत आनंद से सुना। और एक बात कॉमन सब कविताओं की जो मेरे को लगी, वो चीज है कि बड़े ही हमारे जो कवि मित्र जो बोले हैं, ये बहुत सजग किस्म के, राजनीतिक व्यंग करने वाले, बहुत अच्छी तरह से अपनी समकालीन स्थितियों को समझने वाले, और इनमें जो व्यंग मैं देखा वो बाकमाल, और जो मन की बात इन्होंने की, अपने मन की बात की है, वो मेरे मन को छू गई है। और हाँ जी, तो मैं सभी भाषाओं का, जैसे आपने भी अनुरोध कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि सब भाषाओं को मानता मिले, सबका, चाहे छोटी लैंग्वेज या समझा जाता चाहे बड़ी है। दुनिया के देशों में तो जहाँ अगर 100 आदमी वो बोलता तो वो भी मान्यता प्राप्त एक भाषा है। तो जैसे हमारे भाषा पंजाबी को कहा जा रहा कि ये तो 50 साल में खत्म हो जाएगी, 40 साल तो मेरे को ही हो गए जे सुनते बात है जी, लेकिन हाँ ये कोई खत्म नहीं होने वाली भाषा, कभी इतनी जल्दी मरती नहीं है, और बोली तो बिल्कुल ही नहीं होगी खत्म। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड की जा रही है कि हमारी छोटी लैंग्वेज चाहे हो किसी की भी, तो उसको हमारे संविधान के अनुसार उसको मान्यता मिलनी चाहिए। दूसरा जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाबी जो है वो विश्व की 9th उसका दर्जा है, 9th पोजीशन पर है जी, और इसके मरने की क्या संभावना जैसे कि प्रचार किया जा रहा। तो ये भी बता दें कि अमेरिका में ये फरवरी का महीना जो है ये पंजाबी महीना मनाया जा रहा है सारे अमेरिका में, ये भी है हमारे लिए सबके, मेरे को अच्छी लगी है बात। दूसरा जो जितनी कविताएं मैंने सुनी हैं, और मैं खास तौर पे वर्णन करना सबका ही थोड़ा थोड़ा चाहूंगा कि मैथिली में तारानंद जो चाहे बाद में सुनाएगा, क्योंकि बड़े बड़े आदमी तो बाद में ही आते हैं ना, तो उनकी कविताओं में जो व्यंग, जो सामाजिक भारतीय स्थितियां और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, उन्होंने एक तीखे जो है ना कटाक्ष किया है। और जैसे कि सरोज सिंह ने भोजपुरी में द्रौपदी की त्रासदक अपमानजनक स्थिति का वर्णन किया और बहुत फ्लो में आगे किया, उनके हाव भाव उनके चेहरे से भी मैं पढ़ सका, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरा अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने तो मैं देख रहा हूँ राजनीतिक जो व्यंग चेतना जो उसमें समोई हुई है, वो तो मेरे को बहुत खुशी हुई है। मैं कविताएं सारी नोट की हैं क्योंकि मौका इतना भी मेरा ख्याल लंबा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही मोनका गौड़ राजस्थानी कविता के बारे में जो भी उन्होंने पढ़ी अपनी कविताएं विक्रम बेताल के जरिए, एक बहाना एक प्रश्न उत्तरी जो हमारी बातचीत है, ये मैं देखा कि जो अपने सरोज सिंह ने भी उसी तरह की बात की, प्रश्न उत्तरी तरीके की, जुगत जो काव जुगत जो उस तरीके से पेश किया। और चाहे उनकी कविता सीता से नैना सानी तक की हो, वर्तमान स्थितियों को भी पूरी तरह उजागर करती है। तो मैं ये कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं है, ये सवाल खड़े करती हैं सामने सबके कि क्या सोचने की हमारे लोगों को जरूरत है, कैसे हम सजग हों, कैसे चेतन हों, और इस तरीके से हम अपना जो काम है कर सकते हैं, एक कैसे अपने समाज में और विकास कर सकते हैं, चेतना का पसारा कैसे हो सकता है। तो आराम भाग्या जी, तो मैं बहुत खुश हुआ उनकी लोक पक्षीय जो कविताएं हैं जन कवि के रूप में उन्होंने जो सुनाई है, चाहे सूरन, और मैं सबका किसान और बुनकर, खेत, रेशम के कीड़े, लड़कियों का साइकिल स्टैंड, हाँ जी,
जो अव्यंग दो है, देश के मुखिया और गांव के मुखिया के बराबर की जो बात की गई है, तो मेरे को बेअंत प्रसन्नता हुई है जे सारा सुनकर। तो मैं सबका ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को मौका मिला जे सुनने का, समझने का, आपके साथ सालों के बाद देखने का भी मौका मिला आपको, है जी। तो मेरे को बहुत खुशी का मौका है। तो हाँ जी, इसके साथ ही मैं अपनी दो तीन ही सुना देता हूँ श्री धर्म जी को, ज्यादा क्या सुनाने जा रहा। आपके पास मंच है, माइक है और हम लोग आनंद लेने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, जैसे कि आपने पहले बात की है श्री धर्म जी कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो उसी को मैं आगे बढ़ाता हुआ थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। संस्कृति जी जी, हुण तां मारूथल विच भी उग आई है हरियावल, हुण तां मारूथलां विच भी उग आई है हरियावल, मारू जमीना विच भी लहरा पईआं ने फसलां। क्या बात है। प्रकिरतक दृश्यां विच भी आ गया है परिवर्तन, ते मेरी संस्कृति विच रची रचाई वर्ण अवस्था दी अजे भी ओही अवस्था। हुण तां सुंगड़ के रह गया है दूरियां दिखाउंदा खला भी, हुण तां सुंगड़ के रह गया है दूरियां दिखाउंदा खला भी, धुप्पां दे रंगां वांग एक मिक हो गए ने सत्तां दे सत महादीप भी, कच वांग टुट गई रेत वांग ढह गई है बरलन दी दीवार भी, ते मेरी संस्कृति दे बजर कपाट जिसनू लगे ना चाबी कोई तर्क ना करे काट, हुण तां पिघल पए ने बर्फां लदे पहाड़ भी, हुण तां पिघल पए ने बर्फां लदे पहाड़ भी, समुंदरां दे पानियां च वध रही है तपश भी, किते किते वगण लग पईआं ने तत्तियां तेज हवावां भी, ते मेरी संस्कृति खपत सभ्याचार वांग मनुखां उत्ते लाउंदी है अजे भी बखो बखरे लेवल। ते एक है मेरी जात जी जी, जात इउं मेरे संग जिवें मेरा रंग, जात इउं मेरे संग जिवें मेरा रंग, इन्ना मेल सुमेल के मैं मन भी ओ मेरी पछाण, पिंड होवां चाहे शहर समुंदर दे आर जां पार, जात इउं मेरे संग जिवें मेरा रंग, मेरा परछावां इन्ना मेल सुमेल के मैं मन भी ओ मेरी पछाण, पिंड होवां चाहे शहर समुंदर दे आर जां पार, बहुत लुकाउंदा छुपाउंदा सौ परदे पाउंदा हां मैं, बहुत लुकाउंदा छुपाउंदा सौ परदे पाउंदा हां मैं, पर वो फिर आ खड़दी है वार वार जिवें कल्प दे दिनां बाद, धुप वरगे वाल लगा राए लीड़ियां थाणी जिसम झाक दे ख्याल, चाहुंदा हां उसदा त्याग, चाहुंदा हां उसदा त्याग जिवें कोई लोचदा है तलाक, पर वो मैनूं समझाउंदे ने सजाउंदे ने ये तां जन्मां जन्मां दा साथ नहीं गल कोई खास, आखर तर्क छुत्ते चढ़दे ने तर्क दे तीर, जान वर्तमान अतीत नूं चीर, लहू विच आउंदा है अवाल जिवें धरती अंदर पुचाल, ते फिर सावें हुंदे दिसदे ने खप्पे चढ़दे लहिंदे सज्जे खब्बे, जात इउं मेरे संग जिवें मेरा रंग, मेरा परछावां इन्ना मेल समेल के मैं मन भी ओ मेरी पछाण, पिंड होवां चाहे शहर समुंदर दे आर जां पार। तो श्री धर्म जी,
तो कविता मैं आपको ना हिंदी में इसका ट्रांसलेशन सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, मैं तो समझ गया, लेकिन हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। तिनके से हल्का आदमी, तिनके से हल्का आदमी, कई बार सर कलम किए पेड़ की तरह हो जाता हूं बौना, कई बार सर कलम किए पेड़ की तरह हो जाता हूं बौना, जिसके ऊपर से गुजरती है बिजली की तार, शांग दिया जाता हूं बेमौसम, जब अकस्मात ही कोई पूछ लेता है मेरा धर्म, कई बार पानी से भी पतला हो जाता है माटी का जय पुतला, कई बार पानी से भी पतला हो जाता है माटी का जय पुतला, शब्द जुबान का छोड़ जाते हैं साथ, जैसे पतझड़ में पेड़ों के पत्ते, सिर पर से गुजर जाता है पानी, धरती देती नहीं जगह, जब अचानक ही कोई पूछ लेता है मेरी जात, क्या बात। कई बार मन के आकाश पर चढ़ आते हैं घोर उदासियों के बादल, जब महानगरीय हवा में पंख समेट कर बैठ जाता है उड़ाने भरता कलोल करता, चुगा चुगने आया कोई परिंदा, पूछे जब कोई सहसा उसका मूल प्रदेश, पहले गांव फिर मोहल्ला। तो एक कविता मैं और सुना देता हूँ। जी जी जी, अंतम जी। उसने कहा मैं चिरकाल से तुम्हारे पीछे चला आ रहा हूं, उसने कहा मैं चिरकाल से तुम्हारे पीछे चला आ रहा हूं, अब तुम मेरे पीछे चलो, उन्होंने कहा हमारे पास मुंह है और तेरे पास पैर, पैरों का धर्म चलना होता है, उन्होंने कहा हमारे पास मुंह है और तेरे पास पैर, पैरों का धर्म चलना होता है, उसने कहा मैंने बहुत देर तक हाँ में हाँ मिलाई है, अब मेरे बोल सुनो, उसने कहा मैंने बहुत देर तक हाँ में हाँ मिलाई है, अब मेरे बोल सुनो, उन्होंने कहा उन्होंने कहा जुबान हमारे पास है और कान तुम्हारे पास, कानों का धर्म सुनना होता है, उसने कहा तुमने मुझे बेघर किया है, मेरा घर वापस दो, उन्होंने कहा आदिवासियों का घर जंगल है, हम जंगल की हवा फैलाएंगे, हवा के खिलाफ जाना पाप है, उसने कहा मैं हूं आंखों पर पट्टी बंधा बैल, थके हारे को अब करने दो आराम और खोलो मेरी आंखें, उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म देखना नहीं, देखकर अनदेखा करना है, उसने कहा मैं हवा के खिलाफ चलूंगा, तुम्हारे शब्द बनेंगे मात्र गुंबद की आवाज, उन्होंने कहा हवा को थामना आवाज को रोकना अब बिल्कुल असंभव है, असंभव है। सो श्री धर्म जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, कि मेरे को बहुत सारी कविताएं सुनाने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार सर आपके, आपने हमें बस एक फोन किया हमने और आपने हमें समय दे दिया। मित्रों, बलवीर जी की कविता सुनते हुए भीतर बहुत कुछ टूटता है, फूटता है और फिर सृजित होता है। पंजाबी दलित साहित्य नहीं, पंजाबी साहित्य नहीं, मैं हम कई बार मित्रों से कहता हूं कि भारतीय दलित साहित्य और भारतीय संपूर्ण साहित्य में बहुत कुछ जोड़ा है आपने।
बलबीर माधवपुरी जी ने, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो यहाँ आए। और मैं अपने बच्चों से, मित्रों से कहूंगा कि उनकी कविता तो की झांकी तो आपने देखी, उनकी आत्मकथा जरूर पढ़िए। अब बताइए 40-50 संस्करण हो जाना, ये तो हिंदी में भी संभव नहीं है, ये तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। तो ये हमारे, मैं खुद बहुत दिनों बाद मेरी बातचीत हुई तो देखिए कितना आगे से आगे चला गया मामला। तो बहुत बहुत आभार आप सभी मित्रों का। मैं आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक, हिंदी सेमिनार के संयोजक डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र जी को, वे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जसवाली चौहान की ओर से, अपने प्राचार्य की ओर से और संयोजक के रूप में धन्यवाद ज्ञापन के द्वारा इस बहुरंगी बहुभाषिक जो काव्य छटा है उसका समापन करें। अरविंद जी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो मातृभाषा दिवस है वो सिर्फ मातृभाषा में कविता, उपन्यास और साहित्य लिखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी शुरुआत की बुनियाद बहुत अलग तरह की है। और बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय के छात्र और कुछ लोग, साहित्य प्रिय लोग, आजादी के बाद बांग्ला भाषा की रक्षा के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पर, आज के बांग्लादेश पर उर्दू को थोपना चाहता था और उस संघर्ष में हजारों छात्रों की, भाषा प्रेमियों की मृत्यु हुई थी। और उसी शहादत को ध्यान में रखते हुए भाषा के प्रति इस अनंतिम लगाव और उत्कट प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मनाने की बात स्वीकार की और उसे 2000 के आसपास से लगातार हम सब पूरे विश्व में मातृभाषा दिवस के तौर पर मना रहे हैं। और ये अपने आप में एक आयरनी है, एक विडंबना है कि पिछले 21-22 साल से लगातार हम मातृभाषाओं की रक्षा के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए, विस्तार के लिए, उनकी जीवंतता के लिए मातृभाषा मनाते दिवस मनाते हैं। और निरंतर वैश्विक स्तर पर मातृभाषाएं छीनती जा रही हैं, कमजोर होती जा रही हैं, बहुत सारी मातृभाषाओं ने अपना अस्तित्व खोया है और बहुत सीमित हो चुकी है। आप कल्पना कीजिए, दुनिया में 19,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, 19,000 से ज्यादा मातृभाषाओं की उपस्थिति वाली इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 100 भाषाएं डिजिटल दुनिया में अपना अस्तित्व रख पा रही हैं। तो जो भाषा का संकट है और मातृभाषा का संकट है, वो 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के संघर्ष के बाद खत्म नहीं हुआ है, वो अप्रत्यक्ष रूप से वो संघर्ष लगातार जारी है और भाषाओं पर आक्रमण भी लगातार जारी है। और ये आक्रमण सिर्फ हो नहीं रहा है, बल्कि हम जो भाषा भाषी समाज है वो अपनी भाषा और अपने सामाजिक संस्कृति के प्रति जितने अनवेयर रहते हैं और दूसरों से उधार लेकर जीने में जितने हम मशगूल हो चुके हैं, उसकी भी एक गहरी भूमिका है। इस रूप में मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का बहुत ज्यादा महत्व है। और एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने लायक है, यूनेस्को ने 2022 से लेकर 2032 तक, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस स्तर पर मातृभाषाएं हैं उनके दशक के तौर पर मनाने का एक संकल्प पारित किया है। और साथ ही 2022 के लिए जो थीम चुना है यूनेस्को ने, उसे भी अगर हम ध्यान दें तो एक बात उभर कर सामने आती है, बहुभाषा शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और संभावनाएं, ये 2022 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम है। इस थीम में ही मातृभाषाओं के लिए एक बहुत जरूरी संदेश छुपा हुआ है कि चाहे दुनिया की कोई भी मातृभाषा हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, या दुनिया के और देश की मातृभाषाएं हो, जिस संकट की बात हम लोग कर रहे हैं उसके लिहाज से शोध, अनुसंधान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो निरंतर विकास हो रहा है, अगर हम अपनी अपनी मातृभाषाओं में उस चीज पर बल नहीं देंगे और उसके साथ भाषा के उपयोग की दुनिया हम खड़ी नहीं करेंगे, तो भले ही हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते रहें और भाषाओं के प्रति अपनी गहरी संवेदनशीलता को हम व्यक्त करते रहें, लेकिन जो 19,000 की जगह सिर्फ 100 भाषाएं डिजिटल दुनिया में मौजूद हैं, यानी व्यापारिक और व्यावसायिक दुनिया में मौजूद हैं, वो संकट बढ़ता ही जाएगा और भाषाओं की रक्षा के सवाल और भी गहरे होते चले जाएंगे और रक्षा के समाधान के रास्ते उतने ही संकुचित होते चले जाएंगे। समस्या रहेगी, समाधान के रास्ते लगभग पीछे छूटते चले जाएंगे।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज का इस ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। हम साहित्य के लोग, पढ़ाने वाले लोग इस दिवस पर विशेष अभियान क्या चला सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारी जो मातृभाषाएं हैं हम उनकी उपस्थिति को फिर से महसूस करें, उसमें जो सृजनात्मक प्रतिभा है और रचनात्मक क्षमता है उसको ध्यान में रखें, उसे रीडिंग जिसे कहते हैं पुनर्पाठ करें और अपनी ही भाषा के प्रति अपने लगाव को फिर से प्रतिबद्धता में बदलें। हम यही कर सकते थे फिलहाल तत्काल, और ये कोशिश हमने की कि एक निश्चित समय में जो समय स्लॉट मिलता है कार्यक्रम के लिए उसमें हम आज 6 मातृभाषाओं के प्रतिभाशाली रचनाकार हैं, कवि हैं और विश्व स्तर पर उनकी अपनी प्रसिद्धि है, उनकी अपनी ख्याति है और भाषा के प्रति उनका समर्पण तो खैर कहना ही क्या। हमने उन सबको सुना इस कार्यक्रम में और सबने एक से एक कविता सुनाई, जैसा कि बलवीर जी ने सर ने बिल्कुल बहुत सही तरह से चिन्हित किया, जो पहली ही कविता थी द्रौपदी पर केंद्रित जो सरोज जी ने कविता सुनाई उससे हम आज के समय की जो ध्वनि सुन सकते हैं कविता में मातृभाषा में। अमूमन ये कहा जाता है कि मातृभाषाओं में कोई रचनात्मक क्षमता नहीं है, मातृभाषाओं में है क्या, इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जितनी सारी कविताएं आज हमने सुनी है और जितनी तरह की अंतर्ध्वनियां उनसे मुखरित होकर बाहर आई हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सरोकार उन सब के भीतर गजिन रूप में मौजूद हैं, जिसे हमने सुनते हुए बहुत गहराई से महसूस किया है, ये सारी बातें बताती हैं कि मातृभाषाओं के भीतर जो रचनात्मक प्रतिभाएं हैं उनकी पहुंच कितनी ज्यादा है और उनके भीतर की जो संवेदनशील प्रतिभाएं हैं वो कितनी आगे की बात करती हैं। तो ये एक अजीब सा उदाहरण आज हमारे सामने फिर से उपस्थित हुआ है कि हमारे कवि रचनाकार आलोचक व्यक्तित्व सृजनशील व्यक्तित्व भाषा में इतने गहरे सरकारों के साथ एक दुनिया का स्वप्न देखते हैं, रचते हैं, बुनते हैं, समस्याओं को उजागर करते हैं, लेकिन जो समानांतर व्यावहारिक राजनीतिक तंत्र है हमारा वो इन गहरे सरोकारों को भुलाकर पता नहीं कहाँ यात्रा कर रहा है और समानांतर दो अलग धाराएं, दो विपरीत धाराएं समानांतर बह रही हैं। ये गहरा संकट है जिसको इस कविता पाठ के माध्यम से और भी हमने ज्यादा महसूस किया है। हमारे इस महसूस करने की जो बात है, क्षमता है या अवसर है, उसको फिर से इन कवियों के माध्यम से हमने उपलब्ध किया, हमें उपलब्ध हुआ है अपने सभी कवियों का, खासकर सरोज सिंह जी उनकी द्रौपदी कविता के लिए, अमरेंद्र भाई हैप्पी टीचर्स डे और बिटिया और पापा के बीच बातचीत, भक्ति काल पर जो एक आलोचनात्मक दृष्टि से कविता लिखी है, डंडे की राजनीति वाली जो कविता पढ़ी कोरोना के समय पर जो उन्होंने कविताएं पढ़ी है, और मोनिका गौर जी मन बेताल सीता से नैना साहनी हत्याकांड तक की जो एक गाथा उन्होंने छोटी सी कविता में हम सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है और जिस रवानगी के साथ ये कविता पढ़ी गई है, रामाज्ञा ससधर हम लोग पिछले 20-22 सालों से उनकी कविता सुन रहे हैं और साहब जी के द्वारे पर कविता जो सही में उसका मैं अलग से फैन हूँ, पहली बार जब उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस में कविता सुनाई थी तो पूरे हॉल में तालियों से जो है पूरा हॉल गनगना उठा था, जिसे कहते हमारे मैथिली में गनगना जाना, गूंज उठी थी बात, और बाद में हम लोगों ने उस पर बहुत बातचीत की थी। कविता में नाद सौंदर्य का कितना महत्व है, कविताएं बहुत गंभीर हो सकती है, कविता में बहुत सारे विचार और भाव आ सकते हैं, लेकिन अगर नाद सौंदर्य का अभाव है तो आप मानकर चलिए कि महान कविताएं बहुत सीमित दायरे में जिंदा रहने के लिए मजबूर होती हैं। ये मैंने पहली बार साहब जी के द्वारे पर कविता सुनते हुए महसूस की थी और आज ये कविता का संकट है, मैं इसे कहना चाहूंगा अपने प्रतिष्ठित और वैश्विक कवियों के सामने में कि आज की कविता का गहरा संकट है कि उसके वैचारिक सरोकार जितनी ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, दर्शक तक, श्रोता तक, पाठक तक, लोगों तक पहुंचने की क्षमता में अजीब तरह का एक सिकुड़न आता चला जा रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। इसकी तरफ हमारे कवि लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। तारानंद वियोगी जी जिसे कहते ना कि बहुत सीरियस कवि होना, बहुत सीरियस किस्म के कवि हैं और कविता और साहित्य के प्रति उनके लगाव को मैं निजी तौर पर जानता हूँ, कितना गहरा है उनका और कितनी गहराई के साथ इन चीजों में लगातार प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं। श्रीधम सर से लगातार बात होती है और हम जानते हैं उन्होंने जो कविता पढ़ी उसके लिए, और अंत में बलवीर माधोपुरी जी ने जो दो कविताएं पढ़ी, कितनी गहरी, कितनी भावुक कर देने वाली कविता थी, कितनी आत्मचेतस बनाने वाली और अपनी आत्मचेतस स्थिति में दुनिया के सामने अपने होने को जो जिस गहराई के साथ उन्होंने महसूस करने के लिए कविता की रचना की है, इन सब के लिए मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज IQSE सेल आजादी का अमृत महोत्सव समिति हिंदी सेमिनार हिंदी विभाग और अपने हिंदी विभाग के सभी
जो हमारे सहयोगी सदस्य हैं, विभाग के सदस्य हैं, उन सब की तरफ से आप सभीयों का, सभी कवियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि रविंदर जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस मातृभाषा दिवस के अवसर पर हमारे विद्यार्थियों ने मातृभाषा विशेषांक समन्वय अंतर अनुशासनिक पत्रिका समन्वय का हम लोग प्रकाशन करते हैं, मूलतः वो शोध पत्रिका है, लेकिन अब की बार छात्रों ने तय किया, विद्यार्थियों ने तय किया कि सर मातृभाषा दिवस विशेषांक हम निकालेंगे और उसमें एक साथ डोगरी, हिंदी, पंजाबी, कुमाऊनी, गढ़वाली, हरियाणवी, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, नेपाली, अंगिका, उड़िया, मराठी और असमी तमाम भाषाओं की कविताएं और निबंध उन्होंने जो है संकलित किया है। तो मैं रविंद्र जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर संभव हो तो इस मातृभाषा विशेषांक जो समन्वय का है उसे ऑन स्क्रीन कर एक बार हम सबसे साझा करें और फिर उसके बाद अगले सत्र की तैयारी। ये हमारे छात्रों का प्रयास है, उन्होंने मातृभाषा विशेषांक के तौर पर इसे प्रकाशित करने का काम किया है, जिसे हम लोग फिजिकल मोड में प्रकाशित करेंगे हार्ड बाउंड में, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन आप लोगों से हम साझा कर रहे हैं। इसमें पूरी टीम काम कर रही है, हमारे प्राचार्य महोदय का संरक्षण है, श्रीधरम सर और डॉक्टर दीपांकर के विशेष सहयोग से ये पत्रिका, ये हमारा संपादन मंडल है जो शोध आलेखों को इकट्ठा करना और फिर प्रकाशन के लिए तैयार करने का काम करता है पूरा मंडल। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर प्रचार जी का संदेश इसमें हम लोगों ने शामिल किया है और फिर बाकी आप देखेंगे कि रविंद्र जी इसे आगे बढ़ाते रहे। ये छात्रों द्वारा लिखा गया संपादकीय है और ये कविता का पूरा एक संग्रह है जो कविताएं आई हैं, आप देख सकते हैं सामने भाषाएं लिखी हुई हैं और कविता और आलेख संकलित है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दूसरे सत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं और दूसरा सत्र हमारा 1 बजे से शुरू होने वाला है। श्रीधर सर, दूसरे सत्र की घोषणा करते हुए। तो इसी के साथ ये सत्र समाप्त होता है और हम अपने सभी कवि जो प्रतिभागी इसमें आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम फिर जल्दी ही हम चाहेंगे कि एक आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय में एक ऑफलाइन कवि संगोष्ठी हो और जिसमें और अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं के लोग इकट्ठा हो, तो हम लोग अभी से इस पर काम करना शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार।